अदर गाय कॉल अरमान मलिक, उन्होंने वेट वॉच करना स्टार्ट किया। व्हाई डू यू हेट अरमान मलिक सो मच? मुझे हाइट शेम करने की कोशिश की। मैं तो बॉडी शेम नहीं करते, हम तो ऐसे पर्सनल कमेंट्स पास नहीं करते। आप करते हो कहा और सॉरी नहीं बोल रहा, बोल आप क्या बोल रहे हो। नहीं सही भी नहीं आपका काम कर। 5'3" के करीब मेरी हाइट है, बट फर्ज करो मैं ज्यादा शॉर्ट भी होती। उनको मैंने रीजन भी बताया था कि मैं हील्स क्यों पहनती हूँ। मैंने बार दफे बोला मैं आपको भी बताती हूँ, मेरा पैर का स्ट्रक्चर ऐसा हो चुका है अभी, क्योंकि मैं बचपन से हील्स पहनती हूँ। एक मेडिकल कंडीशन है, ये मेरे रियल इमोशंस थे। आई वाज हर्ट, इट वाज हियर, इट शोड यू। पहले लेवल में इतना तीखा। एक्सपेक्टेशन इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट आई वुड हैव विद अ पर्सन। मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं कोई मटेरियलिस्टिक वाली एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हूँ कि मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो। एक मॉरल सपोर्ट। आई डोंट वॉन्टेड टू मेक माई फ्रेंडशिप गो वर्स। पर्सनल लाइफ में ये ग्रोथ था, प्रोफेशनल लाइफ में ये कि मैंने 40 म्यूजिक वीडियोज किए थे, बट सच कहूँ तो वो मेरी फेस वैल्यू उतनी कमी नहीं थी, क्योंकि गाना कैसे आता है जाता है और आप एक्टर के तौर पर उतने रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। वेर एवर आई गो दर आला गर्ल यूर आला निर्माण सना से आला। Nothing in the world is scripted, at least, I mean, not Big Boss for sure. I was my real self and this is how I am. Are you ready for the next one? I'm ready. Any inclination towards Sai for you, from your end or meaning? This is like God's honest truth. So you don't want to get married? Because I'm a contradictory personality. Can I tell you something? Urdu is actually a language of India. Iska jo origin hai, wo Hindustan hai, Delhi specifically. और ये फारसी से डिराइव हुई है। इट इज नॉट पाकिस्तानी लैंग्वेज एंड देयर इज नो लैंग्वेज कॉल्ड पाकिस्तानी लैंग्वेज। सो नेजी इज लेजी, बट लेजी इन अ वे वो काम बहुत एक्टिवली करेगा जो उसको दिल से करना है। ही इज अ मैन विद जीरो हेटर्स, अ वेरी नेचुरल इनोसेंट बीइंग। व्हेन यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड ना, आई थिंक व्हेन समवन चैलेंजेस यू ना, गॉड टेक्स इट पर्सनली। नेवर मेस विद गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, टेल मी, हैव डन इट ऑल। ये बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये। That's why it's called the spicy show of India. What's up everyone? Welcome to the Lean Guy Show. My name is Amal and guess aaj kaun hai apne saath mein? The Ala girl from straight out of Big Boss OTT season 3, none other than Sana Sultan. Aaj main isliye nahi bol raha kyunki ye meri actually bahut favorite hai. इन्होंने जो चीजें की हैं अभी तक, आई डोंट थिंक एनी स्पेसिफिक गर्ल एज अ परफॉर्मर हैज स्पेसिफिकली डन इट सो फार, विच हैज सो मेनी अक्लॉड्स। शी इज अ राइटर, शी इज एन एक्टर, शी इज अ सिंगर, एंड शी इज बीन इन अ रियलिटी टेलीविजन शो एज वेल, एंड शी हैज नेल्ड इट, एंड शी इज पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट्स, नन अदर देन सना सुल्तान। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट माशाल्लाह, इतना आला दर्जे के तारुफ के लिए शुक्रिया। थिंक सुपर्ब इंट्रो, आई एम ऑलरेडी फ्लैटर्ड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ द शो। Thank you so much. First of all, thank you so much to for coming on the show. Thanks. And yes, this is the spiciest show of India, and we wanted a spiciest guest here, and we finally have it. Yes. Okay. Super excited, yaar. मुझे कुछ तारुफ देंगे? बिल्कुल. मैं आपको इंट्रो बताता हूँ कि ये बेसिकली क्या है. तो हमारे पास 10 और सोर्सेज हैं. मैं आपको 10 सवाल पूछूंगा. यहाँ से लेवल स्टार्ट होता है स्पाइस का. Okay. यहाँ पे खत्म होएगा. Okay. जैसे स्पाइस लेवल बढ़ेगा वैसे क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ता जाएगा, वो स्पाइसियर होता जाएगा. अगर कोई ऐसा सवाल होगा जहां पे यू आर नॉट एबल टू आंसर और प्रॉब्ली यू डोंट वांट टू आंसर, देन इन दैट सिचुएशन यू विल हैव टू टेक द डिप ऑफ द सॉस अगेन व्हिच यू हैव जस्ट ईटन। Yes, okay. But ऐसा कोई सवाल होगा नहीं, because I know that you're very sport. We have seen it all around in the Big Boss. Oh my God, you never know. हो सकता है दस के लिए अपने मुंह को ये क्या पूछ रहे हैं? But anyways, I'm very excited. I love challenges, so bring it on. Wow, 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 wow. Okay. So let's start with the first one. This is a potato bites. We can take it. Bracing myself. Okay, Sana Sultan. Let's go. Yeah, so you can take one and let's take a deep breath. This is Nagin Indian Bhoot Chulakya. Nagin Indian Bhoot Chulakya. Itna mukhtalif naam hai ye, like very different. Very different. Nagin Dal ka naam hai. Indian Bhoot Chulakya is. Oh, the spices mid cheese. Yes, yes. Yeah, okay. It is one of the versions of spices mid cheese. Oh, nice. Cheers. Cheers. The tikkiest mid cheese. This is my word. Tikkiest. Tikkiest. Okay. Yeah. पहले लेवल में इतना तीखा।
मैं सोच रही हूँ जब ये गेम ऐसे मुसलसल जब मैं इतनी सारी खाऊंगी तब क्या होगा आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज मेरे ना उर्दू क्लासेस चल रही है बिकॉज मैं सही में जब आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं इसका मीनिंग यू नहीं बट आई एम सो लविंग इट क्योंकि आप जो लहजे से बोल रहे हो ना ऐसा लग रहा है कि फूल मुस्तलिक हो रहे हैं ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको तो बिग बॉस इज ऑलरेडी ओवर नाउ सो बट डू यू थिंक दैट कि बिग बॉस की जर्नी में आप थोड़ा पहले अवेक्ट हो गए थे डू यू थिंक सो एंड इफ नॉट देन व्हाट डू थिंक लाइक यू नो हैज गॉन राइट इन योर फेवर आई मीन जब आप गए थे वाज दैट बिकॉज ऑफ द टास्क दैट यू गॉट इवेक्टेड और वाज दैट सम अदर रीजन एंड देन वर यू इवेक्टेड एट द राइट टाइम डू यू थिंक और यू कुड हैव स्टेड लॉन्गर तो लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस जब मेरा एविक्शन हुआ उस टाइम पे मैं दुआएं कर रही थी कि मुझे इसी वक्त पे एविक्ट होना है और इससे परफेक्ट वक्त नहीं हो सकता था इसकी वजह जो मैं आपको बताती हूँ इसकी वजूहत ये है कि मुझे पता था कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा और फिनाले की तरफ जाएगा वो बद से बदतरीन होते जाएगा इट विल बिकम वर्स बिकॉज सबके अंदर वो रहेगा कि उनको exactly. जीतना है जीतना है वो मसला नहीं है सब जीतने के लिए है बट इसी बीच ये हुआ कि मेरा एक बहुत आला दोस्त था साई उसके साथ कुछ मेरे यू नो डिफरेंसेस हुए बिकॉज ऑफ दिस अनदर गाय कॉल्ड अरमान मलिक उन्होंने ब्रेन वॉश करना स्टार्ट किया तो उस लिहाज से मुझे था कि मुझे और दोस्त अपने नहीं खोने इतनी खूबसूरत रिश्ते बना के आई हूँ मैं वो बनाकर ही जाना चाह रही हूँ मुझे ट्रॉफी तक पहुँचने की कोई वो नहीं है जब मैं सोचकर ही आई थी मुझे ट्रॉफी तक पहुँचना है अब यकीन माने लेकिन अब दोस्ती हो गई तो क्या करूँ मैं हूँ सेंसिटिव इंसान और जब दोस्ती की है तो मैं निभाऊंगी तो मुझे ये लगा कि बस आई थिंक ये बहुत करेक्ट टाइम है अब मैं इससे ज़्यादा नहीं सह सकती आई एम डन विद इट सो यू काइंड ऑफ सैक्रिफाइस द ट्रॉफी फॉर friends and relations wow. Sacrifice I don't know if I can I want to use that word lekin I didn't want it to make my friendship go worse because I know it would go because agar aap baki ke task dekhoge post my eviction agar aap task baki ke dekhenge you will actually realize that it's becoming difficult aapko apne dost ke against hi khade rehna padega kitne se task hue aisi cheeze hui to mujhe nahi lagta main us cheez se ready thi एंड मुझे लगता है बहुत आई वाज देयर फॉर 37 डेज मतलब मैं फिनाले के तकरीबन 8 या 9 दिन पहले ही बाहर आई हूँ या 10 दिन पहले व्हिच आई थिंक इज अ गुड अचीवमेंट एंड एक अंदर से आपको इंट्यूशन पता होता है कि ये मेरा सही वक्त है जाने का सो आई थिंक आई हैव गॉट एविक्टेड एट द परफेक्ट टाइम वाओ 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 और वोट आउट से नहीं हुई टास्क से हुई तकब्बुर इस चीज का तो डू यू थिंक दैट कि टास्क की वजह से गए दैट यू वर मोर हैप्पियर बिकॉज ऑफ दैट इंस्टेड ऑफ कि किसी ने आपको एलिमिनेट किया हाँ आई वॉज टास्क की वजह से गई ऑफकोर्स आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट बट एज आई सेड कि जाने के टाइम पे भी मेरे आंखों में आंसू थे इसलिए नहीं थे क्योंकि मैं जा रही हूँ जो मैं बाज़ दफ़े ये चीज़ बोल चुकी हूँ इसलिए मेरी आंख में आंसू थे क्योंकि एक ये कि जो मेरा दोस्त है साई जैसे कि मैंने कहा मुझे लग रहा था कि एक जो एक प्योर फ्रेंडशिप है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसमें दिक्कतें आ रही हैं मसले मसाइल हो रहे हैं एक रीज़न ये था और दूसरा मैं शिवानी को भी ठीक से मिलकर नहीं गई थी तो इसका भी लोगों ने बहुत बोला पर उसकी वजह भी मैंने लोगों को बता दी थी कि किस तरीके से वो यू नो मुझे थोड़ा सा अरमान जी के साथ मिलकर बॉडी शेम कर दी जबकि मैंने बाज़ दफ़े बोला दिल की लड़की बहुत अच्छी है शी इज़ वेरी गुड एट हार्ट बट कभी कभी सोबत में एक इंसान बोला तो उसके साथ चलो मैं भी बोलूं exactly. और मैं उसको बोल रही थी शिवानी एलिमिनेट करने वाला टास्क है ये नॉमिनेट वाला नहीं मत करो मैं तुमको डिस्ट्रैक्ट yeah. नहीं करूंगी और डिस्ट्रैक्शन से मसला ये डिस्ट्रैक्शन का टास्क था तो आपको करना लाजमी बट बिलो द बेल्ट जाके मत करो बॉडी शेम मत करो वो गलत है बट शिवानी से मेरी बात हुई उन्होंने मुझे आते ही डीएम किया आला और फिर वैसे ही मैंने उनको रिप्लाई किया मिस यू सो मच बहुत बहुत प्यारी लड़की है एंड ट्रस्ट मी उसकी आवाज के बगैर भी घर बहुत सोना लग रहा था जब मैंने एपिसोड्स देखे बट हाँ तो आई थिंक कि मैं बहुत करेक्ट टाइम पे बाहर निकली हूँ और टास्क के वजह से निकली हूँ वोट आउट की वजह से नहीं निकली हूँ आई डोंट थिंक इससे बेटर कोई टाइम हो सकता था एंड ये मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी ये पूछने की जब आप जा रहे थे तब एक बार साइड हक करने की कोशिश करा फिर आप निकल गए थे फिर मैं फिर शिवानी भी ट्राई करा शिवानी को तो आपने बता दिया बट देन आई थॉट कि आप उस टाइम पे थोड़ा सा रेज में थे जब आप निकल रहे थे रेज में नहीं थी मैं हर्ट थी मैं इसकी आपको वजूहत बताती हूँ अच्छा मेरी बात सुने मैं एक इंसान को मेरा बहुत आला दोस्त समझती हूँ मतलब साई अरमान वहाँ पे बॉडी शेमिंग कर रहे हैं मेरे चेहरे के हवाले से कुछ ना कुछ उनका चालू था बॉडी शेमिंग कमेंट्स
तो साई वहां पर बैठे थे, तो मुझे उनसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो आए और उनको बोले कि यार भाई डिस्ट्रैक्ट करो बट ये सब चीजें मत बोलो, अब दोस्त हो तो अब मैं आपसे तवक्को रख सकती हूँ। जैसे एक फूल वाला टास्क था जहाँ पे इन लोगों को अदनान और विशाल और लवकेश मिलके इसको साई केतन को थोड़ा सा इरिटेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं बीच में पड़ी और मैंने बोला कि यार मत करो, एज अ फ्रेंड मुझे बुरा लगा, जबकि मेरा भी था कि मुझे उनको वो करना था, बट मेरी मुझे था कि यार मेरा दोस्त है तो मुझे उनके लिए बोलना चाहिए। तो सिमिलरली मैंने उनसे एक्सपेक्ट किया था कि यार कुछ तो बोल देता, इतनी बुरी चीजें बोल रहा था। और उसके पहले भी ना मुझे साई की थोड़ी डिफरेंसेस दिखने लग गए थे, उनके जो नेचर है, एंड यू नो व्हेन यू क्लोज टू समवन ना, आपको वो एक इंट्यूशन खुदा दे देता है कि यार कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। मुझे नहीं पता था कि भड़का रहे थे, तो मेरा इंट्यूशन था, बाहर जाके देखा तो मुझे पता चला। और काफी लोग कहते हैं कि आपको एक्सपेक्टेशन की क्या जरूरत है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने किसी के साथ दोस्ती बनाई है, एक्सपेक्टेशन इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट आई वुड हैव विद द पर्सन। एब्सोल्युटली, ये कैसी दोस्ती है जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट ना करूँ? आप एक्सपेक्ट क्यों करते हो? लोगों ने ये भी बोला है मुझे, मैंने कहा मैं क्यों नहीं करूँ, तो बेसिक चीज है। अगर आप मेरे दोस्त हो, कोई यहाँ पे मेरी तौहीन कर रहा है, मुझे इंसल्ट कर रहा है, तो लाजमी है कि मैं आपसे तवक्को रखूंगी कि आप बीच में पढ़ के बोलोगे भाई ऐसे कैसे बात कर, exactly, तो अच्छे exactly, से बोल exactly. तो मैं बस वो उनसे ये तवक्को की थी, जो वो हुआ नहीं तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, पर जब मैं बाहर आई मुझे समझ में आया कि वो सिचुएशन ही ऐसी थी प्रोबेबली कि साई को शायद समझ में नहीं आया कि वो थोड़ा सा ज्यादा गलत हो रहा है, बट आई एम श्योर कि अब उनको समझ में आ गया होगा होपफुली, बट इसीलिए मैं साई से थोड़ी सी नाराज थी। तो एक्सपेक्टेशन होती है यार, दोस्त बनाए तो पहली चीज एक्सपेक्ट, एंड मैं अगर एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं कोई मटेरियलिस्टिक वाली एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हूँ कि मुझे ये लाके दो मुझे वो लाके दो, एक मॉरल सपोर्ट, जब कोई मेरे लिए बुरा बोल रहा है तो सिर्फ बोल दो यार कि बस मुझे ये चाहिए था और कुछ मुझे नहीं चाहिए था। एंड हैविंग सेड दैट, साई मेरे बहुत आला दोस्त है, थे और हमेशा रहेंगे, बट उस वक्त पे जो आपका सवाल था कि मैं क्यों ठीक से उनको नहीं हक करके गई, क्योंकि मैं फेक नहीं हूँ, जो मेरे दिल में वो मेरी जुबान पर है, तो मैं चाहती हूँ मैं फेक हक करके जा सकूं। मुझे पता था ये करने से मेरा ही बुरा होगा, लोग मुझे बुरा बोलेंगे, कितनी घमंडी लड़की है, कितना तकब्बुर है इसमें, लेकिन वो वक्त पे मैंने वो नहीं सोचा कि कैमराज, ये मेरे रियल इमोशंस थे, आई वाज हर्ट, इट वाज हियर, इट शोड हियर। बट देन आई गेस साई ने एक बाद में कॉम्पेंसेट भी कर दिया था, जब आप जा रहे थे दरवाजे के पास पास ही खड़े थे, बोले कि चलो ट्राई हो हग करते हैं हम लोग साथ में करें, दैट वाज वो तो मैं मना नहीं कर पाई ना, कभी कर सकती हूं। अब साई के लिए मैंने कहा ना यार, वो नेचुरल हर्ट था, जब आप किसी को दोस्त बोलते हो ना तो वो होता है। शिवानी से भी मुझे हर्ट नहीं होता, लेकिन मैंने उसको दोस्त बनाया था कुछ दिन पहले, आई थिंक हमारी दोस्ती 4 या 5 दिन पहले हुई थी, आई गेव हर दैट डायमंड का नेकलेस दिस एंड आई मेड हर फील कि यार तू जैसी भी है बड़ बोली पर तू दिल की अच्छी है, तो मेरे वो सीन था, तो उसको मैं दोस्त मानने लग गई, लाइक दोस्त बोल रही हो इतनी शिद्दत से ये कोशिश क्यों कर रही है कि वो यू नो मुझे एलिमिनेट करे, बट उसको समझ में नहीं आया। अब मैं उस टाइम शिवानी को नहीं समझ में आता, शी इज आल्सो वेरी स्वीट, बस दिल की वो अच्छी बस बड़ बोली है, बट एंटरटेनर नंबर 1 है। बात कर रहे सारे, पर इसको आवाज तेज चाहिए। तो नॉर्मल में है इतनी भैया घर खाली खाली लगता होगा विदाउट उनके ना, उसकी आवाज के बगैर। हाँ मैंने तो बास दफे बोला है, आई ऑलवेज फेल्ट दैट कि उसकी आवाज में वो चार्म है। वाओ, एक बोला बने, वो कहते ना कि एकदम लिंगो भी उनका एकदम, क्योंकि नौचा आती है वो एकदम कैची लिंगो है, कैची लिंगो है उनका। तो एक आपका और एक शिवानी का लिंगो, इट्स एक्चुअली अगर ना बोला जाए तो आपके कान थोड़े खाली से लगेंगे। सही, आपने बहुत सही बात बोली, आई हैव गॉट दिस फ्रॉम मेनी पीपल, जो आपने दोनों एकदम सही शख्स पकड़े, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा वैसा लहजा और उनका भी है वो उनका लहजा थोड़ा सा। आपके अगर मैं जनरली अगर मैं याद करूं, अगर आपके लहजे से बात करने वाली लास्ट जीनत अमान, मे बी अर्बन प्लैटर का भूल झुलक किया। So, भूत झलकिया is basically असम से आती है। Yes, so वो 2007 में it was, ये मुझे दिखा नहीं लगा, sorry. नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। Oh, okay, because your tongue was naked initially, that's why you felt spice here. अब वहां पे लेयर बन चुकी है, so you may not feel that much unless you reach to a certain level.
ये वाला खाने के बाद ये खाने के बाद गले में लगा. So it comes from Assam. Assam. Okay. In 2007, it was certified as the hottest chili in the world. But okay. उसके बाद में भी अभी है. But this is one of the hottest chilies in the world. It is clearly I can see. ना आप गला जल रहा है. मैं मेरा एतमाद देखो. ये नहीं लगा मुझे. तो मेरे बाद मेरा गला जल रहा है. So now I'm gonna have this क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा important power है. तो मैं इसे ऐसे खारिज नहीं करना चाहूँगा. आप कभी भी ले सकते हो. But yeah, my job is just to tell you. I'm not gonna. Yeah. Okay. Okay. So the next one is. What is the current situation between you and Sai? Current situation, we are friends. In fact, the moment he came out, no, let me start from grand finale day. So, जब हमारी grand finale पे मुलाकात हुई, तब उनको पता चला था कि मैं पहली बाहर वाली थी. क्योंकि अब तक उनके जहन में ये था कि वो बाहर वाले बन के उन्होंने मुझे बचाया. लेकिन जब मैं पहली बाहर वाली थी, मुझे बिग बॉस ने पावर दिया था, जब मैं एक जन को बचा सकती थी और दो जन को नॉमिनेट कर सकती थी. तो मैंने साई केतन को बचाया और मैंने नॉमिनेट किया शिवानी और नीरज को. ऐसा वाला सीन था. तो जैसे उनको पता चला, वो शॉक्ड, क्योंकि इन हिज हेड इट वॉज ओनली हिम हु सेव्ड. बट ऑफकोर्स मुझे कोई पावर सैक्रीफाइस करना नहीं पड़ा. मुझे सिर्फ ये था कि मैं बाहर वाली थी तो मुझे उनको बचाना था. मैंने वो किया. सो ही केम, ही टोल्ड मी थैंक यू. एंड देन उसके बाद मैंने उनको पूछा कोई शिकवे गिले नहीं है ना. कहता है नहीं नहीं पागल है क्या. फिर हमने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया एक दूसरे को और हम इंशाल्लाह मिलने का भी प्लान बना रहे. बस थोड़ी उनकी कभी मसरूफियत होती है, कभी मेरी होती है. बट साई, इफ यू आर सीइंग, यू आर मीटिंग वेरी सून. ओके, यू, मी एंड शिवांगी, ऑल थ्री ऑफ अस. और फिर एक सरप्राइज सा ही था नेजी के लिए. बहरहाल, नेजी ऑल्सो मिसेस साई एंड होपफुली हम तीनों जो हमारा ट्रायो है हम कैचअप करेंगे. सो मैं भी उसके मुंतजर हूँ. लेट्स होप. सो बट देयर आर यू नो बिकॉज एज यू आर आउट फ्रॉम बिग बॉस अब सब खत्म भी हो चुका है. बट लॉट ऑफ स्पेकुलेशन चल रहे थे कि यू नो यू एंड साई आर यू नो देयर सम कनेक्शंस इन दी सारी चीजें. एंड मतलब फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडपॉइंट जब हम देखे, साई वाज ऑल चिल एंड कूल. वो चल रहा है. बट शायद प्रोबेबली इट्स योर नेचर दैट कि सबको साथ में लेके चलो, सबसे अच्छे से बर्ताव करो. तो उससे शायद गलत पोर्ट्रे हो गया होगा. बट वाज देयर स्लाइटेस्ट डू यू थिंक any inclination towards Sai for you from your end or maybe from this is like God's honest truth. आई एम समवन जो दोस्ती भी करती ना वो शिद्दत से निभाती. मेरे लिए दोस्ती भी बहुत बड़ी चीज़ होती है. जैसे कि मैंने कहा मैं सोच कर नहीं आई थी कि हाँ मैं दोस्त बनाऊंगी. मैं सोच रही थी मुझे भी जीतना है. हाँ स्वीट लड़की, मैं लहजा उतना तेज नहीं करूंगी, लेकिन आई एम गोना मेक श्योर कि मैं अपना गेम अच्छे से खेलूं. अब मैंने दोस्त बना लिए. अब दोस्ती बनाए तो पहले इंस्टिंक्ट जो पहला चीज़ होता है, यू प्रोटेक्टिव अबाउट योर फ्रेंड एंड यू नो यू वॉन्ट टू टॉक टू दैट पर्सन. तो दैट वॉज अ सेम इक्वल फॉर साई एंड नेजी बोथ. जेंटलमैन क्वालिटी मुझे देखी. मैं अकेले बैठती थी तो मेरे पास आता था, सुल्तान तुम ठीक हो ऐसे बोल के. मैं रोती भी थी. शेरू का भी जो मसला मसाइल हुआ था, ही वॉज द वन हु केम फर्स्ट. वो सारी चीजें मैंने देखा. हम लोग यार ये मेरा आला दोस्त है. बट क्या है ना, जो हमारी हिंदी फिल्म है उन्होंने डायलॉग को बहुत ज्यादा मशहूर कर दिया है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. गलत है. मेरे जितने भी दोस्त है वो लड़के ही है और आला दर्जे के दोस्त. बट लड़के मुझे लगता है थोड़े से ज्यादा बेटर दोस्त होते हैं. नो हार्म टू माय क्या कहते हैं, इंसल्ट नहीं कर रही हूँ. अपनी फीमेल दोस्त से बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं. बट ये सच है कि जो लड़के दोस्त है मुझे ज्यादा अच्छे से समझते हैं. सो साई के साथ वही था. ये मैंने बाहर देखा, लोगों ने कोशिश की ये चीज शिफ्ट करने की. बट बास दफे मैंने ये इस चीज पर तवज्जो दिया और इसको बोला आला दोस्त है, आला दोस्त है. मैंने कई मरतबे बोला. मैंने भी उनको विटामिन डब्ल्यू के बारे में बताया, उन्होंने मुझे बताया शिवांगी के बारे में. सो ये कहीं था ही नहीं लव वाला एंगल. तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड था किस्सा. दोस्ती थी. एंड नेजी के साथ में भी आई गेस बहुत सारे लोग ने बनाए. वो आज तक जोड़ते हैं. उस नेजी को मेरे साथ, सना मकबूल के साथ, इवन साई को भी. तो ये आई थिंक लड़की है घर में, तुम किसी ना किसी के साथ जोड़ना है. तो ये वही वाला सीन था. तो अब तुम इसको बस फन वे में लेती हूँ. अच्छा ये ऐसा जोड़ रहे, चलो मजा है, सही है, और आगे क्या है, ऐसा वाला सीन है. बट ये ट्रायो नो एक्चुअली में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक ट्रायो लोगों के दिमाग में, जहन में रहेगा. यस 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 फॉर श्योर. मी साई एंड नेजी. सो हम ना हमारा काम
पूरा मुकम्मल करके दोपहर का मैं नेजी और साई हम बैठते थे और नेजी और मैं एक दूसरे को वर्ड्स देते थे, वो रैप करता था, मैं शायरी बनाती थी और साई भी उसमें एंजॉय करता था, अपने वर्ड्स देता था. तो वी हैड अ वेरी क्रिएटिव वाला कॉन्ट्रीब्यूशन. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एक्चुअली बहुत खूबसूरत ट्राई एंड आई एक्चुअली मिस दोज मोमेंट्स. बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ. बट कैसा उस टाइम पे रहते हुए फील होता है कि आपको बाहर जाने का मन करता है, ऐसा करता है कि नहीं आप उस टाइम पे एंजॉय ही कर रहे होते? नहीं नहीं नहीं, ठीक है लिविंग मोमेंट में होना चाहिए कि यू हैव टू लिव इन द मोमेंट. मैं काफी इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं. देखो कई मरतबे घर में नेगेटिविटी भी बहुत हो जाती है, बहुत नेगेटिविटी हो जाती है और ये बास दफे होता था टास्क के बाद, नॉमिनेशन के बाद नेगेटिविटी का लेवल इधर हो जाता था. अब बाहरी जिंदगी में हम बाहर जा सकते हैं नेगेटिविटी को कर्व करने के, इधर तो नहीं कर सकते. तो पॉसिबल नहीं था. लेकिन मैं करती थी तो वहां से मैं थोड़ी सी मुतमईन हो जाती थी और थोड़ा सुकून मिलता था वहां. मैं और नेजियम रेगुलरली पढ़ते थे. नीरज कर रहे थे मेडिटेशन कर रहे थे जब इनिशियली आए थे, वो सब दिखा सकते हैं. मेडिटेशन, योगा, ऑल दीस थिंग्स आर कॉमन, बट रिलीजियस एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड टू बी शोन, व्हिच इज एक्चुअली सही बात भी है. ओके, ऑब्वियसली आई मीन वो मीनिंगफुल वाला सिचुएशन. यस करेक्ट. बट नाइस, थैंक यू यार. बट एक्चुअली मतलब एज आई सेड कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक ट्रायल लोगों के दिमाग में ना याद रहेगा. आई रियली लव दिस ट्रायल एंड ऑब्वियसली उनकी दोस्ती के जो मेन पॉइंट है इट्स यू. एक्चुअली आपने बहुत सही बोला, मैंने ये कनेक्ट किया क्योंकि मेरी दोस्ती पहले साई से हुई फिर नेजी से हुई. अब मैं हूँ तो अगर नेजी मेरे साथ बैठेगा तो मुझे ये नहीं चाहिए कि साई को लगे कि या अगर नेजी के साथ बैठ रही हूँ तो वाइस वर्सा, ये वाली सिचुएशन मुझे नहीं चाहिए थी. तो इसीलिए जब मैं नेजी के साथ करने में साई को बोलती साई तुम भी आओ ना, देखो कितना आला रैप करता है ये, देखो तो ऐसे कर करके फिर मैंने ही वो ग्रुप को जुड़ाया और फिर वो ट्रायो बना. क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे दोनों दोस्त एक साथ बैठे, तो व्हाट बेटर देन दिस कि मैं दोनों के साथ एक साथ एक टाइम पे चिल कर सकूं. तो ये बहुत आला दर्जे की बात होगी. तो बाकी लोगों को जो जैसे अरमान या फिर रणवीर या फिर दीपक सर ये सब कभी ऐसा करते थे कि यार ये लोग ज्यादा एक दूसरे के साथ में ऐसे लव कटारिया एंड विशाल भी थे साथ में, जो लोगों ने एक ठप्पा बना दिया था कि भाई ये लोग सिर्फ हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, तो कहीं आप लोग के ऊपर भी ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया था कि यार ये तो तीन साथ में ही रहते हैं उसके अलावा किसी से मिलते नहीं है, ये नहीं करते? बट आप करते थे. हाँ. आप अपनी तरफ से ट्राई करते, बट हाँ 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 ये हुआ ना, ये तो अरमान जी ने बोला भी कि क्या पूरा दिन सना के साथ बैठा रहता है. उन्होंने साई को ये लिटरली उनका जुमला था कि क्या पूरा दिन सना के साथ बैठा रहता है. और नेजी को नेजी के हवाले से भी बोलते थे कि और ये पूरा टाइम रैप ही करते रहते हैं. अच्छा एक मेरा था, मैं ना एक चीज बहुत करती थी वहां पे, मैं ना अलग अलग किरदार निभाती थी कि मैं बोर हो गई थी तो कभी मैं आपने देखा कभी मैं एयर होस्टेस बनती थी, बीबी एयर होस्टेस, कभी मैं प्रॉपर्टी की डीलर बन जाती थी, कभी मैं कुछ कभी कुछ, कभी टीचर बन जाती थी, कभी स्टूडेंट, क्योंकि मुझे बोर होता था. अब मेरा एंटरटेनमेंट तरीका ये, मैं झगड़ा करके एंटरटेन नहीं कर सकती, वो मेरा तरीका नहीं कि दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाओ. मेरा बहुत ही सिंपल फंडा है, अपने लिहाज से मैं खेलती हूँ और अपने महदूद रह के मैं अपना गेम खेलती हूँ. तो मैं ये सारी चीज़ें करती थी, तो उसके ऊपर भी उनको काफ़ी मसले मसाइल होते थे कि ये देखो कभी ये बन जाती है, कभी ए ऑस्ट्रिस बन जाती है. अरे मेरी मर्जी, मुझे जो बनना मैं बनूंगी, आप भी बनो. सिर्फ मुझे दुल्हन बनने का शौक नहीं है. So you don't want to get married. बनना है लेकिन दुल्हन नहीं बनना है. तो बहुत चीजें और करनी, लेकिन इनको मसला था ना, काफी exactly. मसला था इनको जिंदगी में कि ये क्यों रैप कर रहे हैं, ये अलग अलग किरदार. अच्छा फनी बात पता है क्या थी, तो जब मैं जिस दिन मैं स्टूडेंट बनी थी वो मजाक उड़ाते थे कि ये कुछ भी बन के आ जाती है, लेकिन उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और वो बनकर आ गए टीचर प्रोफेसर. एग्जैक्टली देखा. तो फिर आप क्यों बन गए? इतना ही अगर बचकाना सा मेरा, मैं तो हूँ बचकानी, मैं बोलती हूँ चाइल्डिश गर्ल. कई मरतबे ना जब आप चाइल्डिश होते हो या आप थोड़े पोलाइट होते हो या जैसा मेरा लहजा है बात करने का, तो आप कभी कभी लोगों को फेक अपीयर होते हो. क्योंकि ये मेरे सारे दोस्तों को पता है, ये जो ट्रांजिशन है पिछले 5 साल से मेरे कॉलेज, मेरे एरिया, मेरे बचपन के दोस्तों ने देखा है. लिटरली शो के दौरान मेरे अम्मी को, भाई को, फ्रेंड्स को मैसेज आते थे कि क्या सना सुल्तान एक्चुअली ऐसे बात करती है, कि ये शो के लिए एक अलग किरदार बनने की कोशिश कर रही है. एंड एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है. मैं ये नहीं कहूँगी कि लोगों का क्वेश्चन गलत है, बिकॉज आई एम अ गर्ल जो पहनावा उसका मॉडर्न है exactly. और उसकी जुबान उर्दू है yes. तो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनैलिटी हो जाती है कि यार पहनती वेस्टर्न कपड़े, जुबान इसकी उर्दू है, क्यों नहीं हो सकता? मैं हूँ
मैं तो हूँ ऐसी, लेकिन मैं फेक नहीं हूँ, मुझे मॉडर्न उससे भी अटैच रहना, मुझे जो मेरा ग्राउंड है, रूट है, उससे भी अटैच रहना, क्योंकि जितना मतलब कैसे बड़ों से बात करनी, मुझे उसकी भी तमीज है। अब बेशक पूरा सीजन देख लो, एक दफे बता दो जब मैंने अपनी आवाज ऊंची की रहेगी, कभी नहीं एक ही टाइम वो बॉडी शेम के टाइम पे किया, पर उसका भी बहुत जरूरी था बोलना, क्योंकि फिर अगर मैं वो नहीं स्टैंड लेती तो बहुत गलत हो जाता, सब लड़कियों का मोरल डाउन होता जिनको बॉडी शेम किया जाता है, तो वो एक अलग मौजू था। बट अब जिस मैं मौजू की बात कर रही हूँ उर्दू के हवाले से कि why I am mistaken is because I am a contradictory personality. I wear western outfit on my zuban ho to it is okay but this is what I am. So my friends जब उन्होंने मेरा ट्रांजिशन देखा, क्योंकि मुझे ना अचानक 5-6 साल पहले शायरी का शौक, लिखने का शौक, मैं काफी उर्दू नज़म सुनने लगी। अब कैसे आप चीजें जो बहुत देखते हो सुनते हो दिन रात वो आपके ज़हन में बैठ जाती है, और ऐसा नहीं कि मैं वह तमीज़दार तो पहले से ही थी, बचपन से हमें कुरान सिखाया गया, अलिफ बे ते से हमने पढ़ा है, हमारा बेसिक ये तलफ़ुज़ और लहजा तो बचपन से ही आला था, लेकिन जो उर्दू खालिस होने की बात है वो नज़म और शेर व शायरी की वजह से और हुई, और मुझे लगा कि क्यों मैं इस ज़ुबान में बात नहीं कर सकती। तो अगर मैं कोशिश कर रही हूँ उसमें क्या गलत है? अगर आप एपिसोड एक देखोगे भी उसके अंदर एक टेस्ट लिया गया था, अनिल सर ने जहाँ पर टेस्ट लिया उन्होंने मुझे 5-6 उर्दू के ऐसे अल्फाज दिए जो थोड़े से डिफिकल्ट थे, 5-6 जो उनके लफ्ज थे जिसमें से मैंने 5-6 में से एक का सही जवाब दिया होगा, बाकी जो 3-4 थे उसका मैं जवाब नहीं दे पाई, और मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, बिकॉज आई नो कि किसी भी इंसान को लैंग्वेज मुकम्मल रीत से नहीं आती, नो बडी नोज, शेक्सपियर हैज सेड दैट सो मेनी टाइम्स दैट नो बडी नोज अ लैंग्वेज परफेक्टली, यू नो कोई भी लैंग्वेज हो, तो डिफिकल्ट दिया था, जानबूझ के दिया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उर्दू नहीं आती, इसका मतलब मुझे कम आती है, और कम भी नहीं, इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी लफ्ज होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एसी को क्या बोलते हैं, आप क्या जवाब दोगे हिंदी में? एसी क्यों बोलते हैं? दे आर ठंडा करने की मशीन। हाँ, पर उसका एक वर्ड है। अगर मैं आपको लूंगी टेलीविजन को क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको लूंगी रेफ्रिजरेटर को क्या बोलते हैं, ये तो अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे मैं आपको बोलूंगी हाँ ये तो पागल बना रहा था, इसको तो हिंदी नहीं आती, तो इसका मतलब ये कि आपको नहीं आती, इसका मतलब ये कि आपको मुकम्मल रीत से नहीं आती, कुछ लफ्ज आपको नहीं आते होंगे, उसमें क्या है? And there is no end to the language. There is no end to the language, but that doesn't take away the fact that I am a girl of tehzeeb और मैं तमीज में बात करती हूँ, मैं उर्दू लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ जब भी मैं उर्दू जुमले बोलती हूँ या जब भी मैं कोई लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, तो आपको इससे मसला नहीं होना चाहिए कि उर्दू में बात करिए हिंदी में बात करिए। एंड अगेन कमिंग बैक टू उर्दू, ये चीज मैंने बास दफे कही है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको फिर से दोहराऊँ और ये लोगों के जहन में एकदम बैठ जाए। कई मरतबे ये मैंने सुना है कि लोग कहते हैं आजकल तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए क्योंकि मैं उर्दू में बात करती हूँ। कैन आई टेल यू समथिंग, उर्दू इज एक्चुअली अ लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इसका जो ओरिजिन है वो हिंदुस्तान है, दिल्ली स्पेसिफिकली, और ये फारसी से डिराइव हुई है। सो जब पार्टीशन हुआ तब पाकिस्तान बना, बट पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, तो जो उर्दू लैंग्वेज है वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। आप देखो कौन सी इस्लामिक कंट्रीज में बोली जाती है उर्दू, कहीं पर भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बोली जाती है, पाकिस्तान में भी इसलिए क्योंकि पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, करेक्ट? Yes. तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मैं बोलना चाहूंगी जो उर्दू है वो हमारी लैंग्वेज है, हिंदुस्तान की लैंग्वेज, उसको ओन करो। इट इज आवर लैंग्वेज, इट इज नॉट पाकिस्तानी लैंग्वेज, एंड देयर इज नो लैंग्वेज कॉल्ड पाकिस्तानी लैंग्वेज, दैट्स व्हाट आई नो। एब्सोल्युटली, इट इज उर्दू व्हिच इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ये फारसी से डिराइव हुई है और ये ज्यादा पॉपुलराइज हुई थी लखनऊ में और एक टाइम में पंजाब में, जितने भी पंजाब के पुराने आर्टिस्ट देखोगे सबको खालिस उर्दू आती है। इसका मतलब ये कि उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, अरे हिंदुस्तान की लैंग्वेज है तो हम हिंदुस्तान वाले बोल रहे हैं। इट्स जस्ट दैट अभी लोग कम बोलते हैं या पाकिस्तान में ज्यादा बोली जाती है, लोगों के जहन में ये बैक ऑफ द माइंड में कि पाकिस्तान की लैंग्वेज है। क्यों ऐसे लोगों को लगता है? क्योंकि वहां पर ज्यादा बोली जाती है। अब अगर हमारे यहाँ पर लोगों ने बोलना छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें क्रेडिट उनको दे दें कि उनकी लैंग्वेज है, ये हमारी लैंग्वेज है, आई ओन इट, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसमें और बेहतर हो सकूँ, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि इंशाल्लाह मैं रोज रात को और स्टडी करती हूँ ताकि मैं और अच्छे से बोलना सीखूँ। अगर मेरा लहजा या मेरा तलफ्फुज़ गलत हो रहा है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट इट इज अ लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड आई ओन इट एंड आई वुड ऑलवेज वॉन्ट टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज। एंड आई गेस द थिंग दैट यू आर डूइंग कि टू सेव द लैंग्वेज, सी ऑब्वियसली आई एम मॉडर्नाइजेशन में हम इतने आगे बढ़ने लगे हैं, हम अपने रूट्स को ही, ये हमारा रूट है, हिंदी, देवनागरी, उर्दू, ये सब हमारे रूट्स हैं, हमारे रूट्स ही, हमारे यहां पे इजाद हुआ, इट इज इन्वेंटेड हियर एंड वी आर गिविंग क्रेडिट टू सम अदर पीपल। आई मीन वो बोलते बहुत आला बात है माशाल्लाह, नॉट टेकिंग दैट क्रेडिट अवे फ्रॉम दैट, बट इट इज फ्रॉम इंडिया, और 80% लोगों को पता ही नहीं है कि उर्दू ऐसी लैंग्वेज जो इंडिया में इसका ओरिजिन हुआ है और ये हमारी लैंग्वेज है। ओन करो यार, वाओ, बट थैंक यू, बट दैट्स अ रेवोल्यूशन, बट आई गेस एनीवन हु इज जो ऐसे कमेंट्स करते हैं या फिर ट्रोल भी करने की कोशिश कर, ये
इनका लहजा, ये इनका तरीका है। शी इज रियली, इट्स नॉट फेक थिंग, शी इज एक्चुअली ट्राइंग दैट, यू नो, कि उर्दू को सही में बचाना चाहती है। शी स्टडीज एंड एवरीथिंग, एंड इन फैक्ट राइट नाउ एज वेल, यू नो, शी इज एग्जैक्टली द सेम। I mean, ऐसा भी नहीं कि अगर हम बैकएंड में ही बात करें तो ना, she's exactly the same. So stop trolling for anything nonsensical thing that you guys are doing. और ऐसे कमेंट्स कभी करो ही मत कि पाकिस्तान जाना चाहिए। ये सब हम एक ही जगह के लोग हैं, हम साथ में ही उठे थे, बैठे थे और हमेशा साथ में ही रहेंगे। तो ऐसी चीजें तो करना बंद कर दो भाई लोग, जो लोग तुम लोग कर रहे हो। बिकॉज इतनी स्वीट सी लड़की है यार, एक इतनी अच्छी चीज कर रही है फॉर द कंट्री, एंड ऑब्वियसली आई मीन एक बंदे से लैंग्वेज है यार, बोलो आप भी बोलो, हमारी लैंग्वेज है उर्दू। और क्या, और ये ऐसे ही तो घड़ा धीरे धीरे करके तो बनता। आप सेव करोगे धीरे धीरे करके, आपसे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग सीखेंगे। यस, बिकॉज़ मैक्सिमम पीपल आई टेल दिस टू कि जो उर्दू इसका इजाद हिंदुस्तान में था, लाइक व्हाट, वी थॉट इट्स अ पाकिस्तानी लैंग्वेज। आई सेड नो, इट इज इंडियन, इंडिया में इसका हुआ था इजाद, एंड दैट्स हाउ दे नो। दैट्स व्हाई जब भी मैं कोशिश करती हूं कि चीजें लोगों के ज़हन में बिठाओ कि हमारी लैंग्वेज है गाइस, क्यों क्रेडिट किसी और को देना। एग्जैक्टली, वाह वाह, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डूइंग दैट यार। मतलब एक अलग सा ही पर्सपेक्टिव खोल दिया मेरे दिमाग में भी, एंड आई नेवर न्यू दैट कि उर्दू इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। पीपल थिंक इट्स अ मुस्लिम लैंग्वेज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट इज नॉट अ मुस्लिम लैंग्वेज, इट इज अ हिंदुस्तानी लैंग्वेज। मैं कह रही हूं ना, आप एक कंट्री बता दो पाकिस्तान इंडिया को छोड़कर जहां पे लैंग्वेज बोली जाती है, मैं हार जाऊं। सऊदी में बोली जाती है अरबिक, ईरान में उनकी लैंग्वेज है, जितनी भी आप इस्लामिक अलग लैंग्वेज, उर्दू किधर नहीं बोली जाती, हमारी है। Yes, ऐसे तो कभी देखा भी नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। Wow, thank you so much for that. And आज actually में जो perspective आपने मेरे को दिया है, this is really, really amazing. And I never knew that कि उर्दू इंडिया की लैंग्वेज है। It is. And all of you who didn't know, please comment and let us know whether you knew it or not. So thank you so much for that. And moving on to the next one, this is El Diablo का Boom. Okay. Bismillah. इसका थोड़ा पंजेंट सा टेस्ट है। है तीखा। बेरेबल तीखा। I don't think still I would want to drink this. But अक्सर बाद में पता चलता है, so. And also अब जितना आंसर करोगे ना, उसमें थोड़ा सब्ड्यू होता जाएगा, तो आपको मिर्चियां कम लगेंगी। Yes. Good enough. I think I'm good. Yeah. Okay. So I just want to know कि about Nazy. हाँ। एक नेजी आफ्टर लॉन्ग टाइम एक ऐसी पर्सनालिटी लोगों के साथ, ऑब्वियसली आई मीन नेजी एवरीवन न्यू दैट यू नो कि वो ओजी ऑफ रैप, श्योर ही इज, एंड ही इज एक्चुअली द वन यू नो हु काइंड ऑफ टुक रैप इन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, आई मीन ही एंड डिवाइन, बट ऑब्वियसली मेन पर्सन इज ही। बट इनका जो पर्सनालिटी हम लोगों ने एकदम देखा कि मतलब अलग ही पर्सनालिटी, इज ही एक्चुअली दैट लेजी? सो नेजी इज लेजी, बट लेजी इन अ वे, वो काम बहुत एक्टिवली करेगा जो उसको दिल से करना है, जो उसको दिल से करना है, जैसे रैप उसको करने बोलेंगे एक सेकंड में, नींद में भी उसको बोलेंगे नेजी रैप फिर स्टार्ट। लेकिन आप अगर उसको बोलोगे कि कुछ और काम करने के लिए, तो उसको जान पाएगा जो सिंपल काम है, क्योंकि उसका फोटे नहीं है, तो ये वोंट डू। सो दैट इज नेजी। आई डोंट सी दिस इज अ रियलिटी शो। यहाँ पर ये तवक्कु की जाती है कि आप आए, आप अपनी रियल पर्सनैलिटीज लोगों के सामने रखें, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लोग आपको पसंद करें ना पसंद करें। बट नेजी के लिए मैं डंके की चोट पर बोलती हूँ, ही इज अ मैन विद जीरो हेटर्स। Yes, obviously, I don't think so. Yes, yeah, उनके कोई haters हैं। उनके कोई hater नहीं है, और अगर उनके memes बनते भी है, तो it is made in a fun way, मतलब लोगों को हंसा रहे। जैसे कि मैंने कहा कि एक होता है, कुछ लोगों को बहुत effort से ना पड़ता है कि लोग उनकी बात पर हंसे, नेजी को effort से नहीं पड़ते, वो लेटर लेटर लोगों को हंसा सकते हैं, सिर्फ उनके दो लव्स में, किसी में मजा आ रहा है जो उन लोगों को दो लव्स में हंसा है, उनके दो लव्स में हंसा सकते हैं। हाँ भाई हाँ भाई, so that is like that is Nazy for you. He is an amazing human, or it's never a dull day around him. तो whenever you are around him, तो उस time पे क्या आपको लगता है कि मतलब in the sense कि intentionally try कर रहे हैं हंसाने की? नहीं, वो कभी intentionally try नहीं करते। That what I'm saying is effortlessly funny. Wow. Effortlessly talented, effortlessly funny. मतलब he is a real human. ना कहते हैं ना, बहुत ईमान वाला इंसान है। उस घर में अगर सच में जो बहुत ज़्यादा God style था ना, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बोलूँगी Nazy. Wow. At the same time, innocent भी था उनकी अलग। मैंने आपको बताया वो वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे कौन सा वाला मैंने बोला था, पावर वाला, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैं पावर को, मेरे पास ये पावर है कि मैं बिजली और बारिश को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो उनका
उनका, मैंने जैसे कि बताया, उनका कहने का मतलब ये था कि खुदा का कनेक्शन होता है, जब हम घर से बाहर निकलते तो हम कहते हैं कि यार गॉड प्लीज बारिश रोक दो, कहने का मतलब ये था। और उन्होंने बोला कि मेरे पास पावर है कि मैं बिजली और बारिश कंट्रोल कर सकता हूँ। ही मेंट इट इन दैट वे, बट बिकॉज ऑफ द वर्ड लोगों को लगा कि अरे क्या बोल रहा है। सो अगेन दैट इज लेजी, अ वेरी नेचुरल इनोसेंट बीइंग। एक वो अरमान होने वाला मुझे बता रहा था ना कि जहाँ मैं करके आया मैं वो, लेकिन कैसे आ गया मेरे को पता नहीं, फ्लश करने वाला सीन। अरमान बोला सुबह सुबह मेरे तो झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ मैं, तो मैंने तू करके आया। अरे वहां पे लॉजिकल बात भी हो रही है, रणवीर सर भी वहां पे बोल रहे हैं तू एक बार करके आया तो खड़े रहे, तू देख नहीं हुआ तो उसको दोबारा कर। जवाब भी दिया क्योंकि नेजी को पता है, हम लोग को भी बाद में लगने लगी कई जानबूझ कर अरमान जी नहीं बोल रहे हैं, हमें भी डाउट होने लगा कि रोज वही टॉपिक वही मौजू पे बात हो रही है। एक दिन नेजी ने बोल दिया ना जब मीडिया वाला राउंड था कि भाई तुम गंदगी देखोगे तो तुमको गंदगी दिखेगी, तुम झांक झांक के देखोगे तो। बट यू आर इन कांस्टेंट टच विद नेजी? नेजी तो फुल रابطे में हूं मैं नेजी, अभी बर्थडे पर भी गए थे, बड़ा मजा आया, इट वाज रियली फन। दैट्स व्हाट आई सेड, सी उनका बर्थडे था बट ही केप्ट इट सो लो की, नो क्लबिंग नो पार्टिंग, जस्ट हिज क्लोज नियर एंड डियर फ्रेंड्स, दैट्स अबाउट इट। गिनती के 8 या 10 लोग होंगे वहां। वाओ वाओ, एंड ही इज द ओजी ऑफ इंडियन रैप। Just imagine, like, you know, he is that personality. Yeah, so people would expect कि उसका जैसा बंदा तो पार्टी करेगा full on, exactly. You know, but उनका ऐसा कुछ नहीं, he's a very low-key guy. He wants to celebrate it with his minimum, bare minimum people, जो 4-5-6 उसके अजीज तरीन दोस्त है, that's about it. And I think बहुत आला तरीका है. Yeah, I mean, I guess अपने लोग एकदम close knit के ही साथ में करो, अपने इतने इतना प्राइवेट वाली टाइम या फिर बर्थडे आपके इतना प्राइवेट सीन होता है तो उस टाइम पे सिर्फ आप पूरी दुनिया के साथ में करने से बेटर है क्या? एंड आई बिलीव इन दिस कोट इन इंग्लिश व्हिच एक्चुअली सेज दैट यू नो द स्मॉलर द सर्कल द लेसर बुलशिट यू हैव टू डील विद। दिस इज अ कोट दैट इवन आई फॉलो। मेरे भी जो दोस्त है मैं ऐसे हाथ की उंगलियों पर गिन सकती हूँ। मेरे एक्चुअली दिल के दरवाजे नए दोस्तों के लिए बंद है। तो मैं यही बोल रही हूँ ना, जब मैं बिग बॉस में गई मैंने तवक्को ही नहीं किया था कि मैं दोस्त बनाऊंगी, वो नेचुरली हो गया। प्योर सोल्स से मैं कनेक्ट कर लेती हूँ, मैं वाइब और एनर्जीज में बहुत बिलीव रखती हूँ। So that's how it happened. But it's, I mean, see that what your personality is about. I mean, it's so, you make someone else so comfortable, like even me right now, like, you know, you made me so comfortable in a situation ki aap, yeah, actually aapki energy hai jo pass ho rahi hai, ek aura kehte hai na, look kehte hai ki sabke ek aura hota hai. You have a very, look kehte hai ki Shahrukh Khan ke ekdom bahut immense aura hai, Rajnikant ka, Ranbir Kapoor ka, in sabko bahut immense, I mean, I can feel the aura right now because you have that vibe ki jahan pe you make one person comfortable and that is really good. And that's why probably, if you find some other person as well, वो भी आपके साथ में इतना ज़्यादा connect हो जाते हैं। इसलिए if you see Nazy also, वो इतना खुल के से मुझसे ही ज़्यादा बात करते थे, मुझसे करते थे, सना मकबूल से करते थे, और सारी चीज़ें मुझे अपनी मासी की बताते थे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। अब वो कैमरा भी था, कैमरा ने भी वो कैप्चर कर लिया, बट द बेस्ट पार्ट इज पीपल आर लविंग हिज जर्नी, क्योंकि उन्होंने इतना ओपनली आके चीज बोली जो उनकी जर्नी थी, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस एंड बैक टू रैग्स एंड देन अगेन गोइंग अप, दैट्स सो क्रेजी। वाओ, एक्चुअली मैं मतलब बिकॉज़ यू नो मेरे को लगता है कि जो गली बॉय बनी थी ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि मैं इतना इतना वहां पर तो ओवर दिखा दिया गया। ऑफ कोर्स पिक्चर है तो थोड़ा तो मिर्च मसाले लगा के लाजमी है। एग्जैक्टली, एंड इवन एक्चुअली आई वाज फॉलोइंग हिम, क्योंकि जब गली बॉय निकली थी ना तो मैं देख रहा था कि नेजी कहां पे गायब हो गया, क्योंकि वो एक दो कॉन्सर्ट्स में आए थे उस टाइम पे, उसके बाद में ही इवेंट है बयान, मतलब मूवी तो इनके ऊपर ही, बट वेयर इज नेजी? सो दैट्स व्हाट नाउ लाइक एक होता है कि लाइमलाइट लेने के लोग पागल हो जाते हैं कि ये मेरा वक्त है, मैं फुल अगेन दैट्स नेजी। He kept himself so low key कि I'm not going to be available anywhere and everywhere. जो भी उनकी जिंदगी में माजी में मसले मसाइल हुए उससे जूझ कर आया, जैसे कि उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी बोला, बट स्टिल ही इज वेरी चूजी ऑफ वेयर ही वॉन्ट्स टू गो। ही इज नॉट वन ऑफ दोस की मुझे फेम मिल रहा है तो मैं ये करूंगा, मैं इधर भी जाऊंगा, मैं उधर भी जाऊंगा, नो बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए मैं उनकी बहुत दिल से इज्जत करती हूँ, शायद इसीलिए ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मैन इन माय आईज, एंड मैं उनको यहाँ पर देखती हूँ बिकॉज ही इज अर्नड दैट। एक रिस्पेक्ट होती है वो कमानी पड़ती है, कोई बोल नहीं सकता, जैसे कुछ लोग घर में बोलते हैं इज्जत दो, इज्जत नहीं देते ऐसे, इज्जत कमानी पड़ती है। और एज एज से भी नहीं आती इज्जत, वो कमाना पड़ता है, कमाना पड़ता है, एज का उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। Exactly. एक है कि हाँ ये सोच के कर लेंगे कि यार एज इंसान है तो थोड़ा वो करे, लेकिन दिल से नहीं आता है वो, ये दिल से आता है। एग्जैक्टली, thank you so much for that, for letting us know about the vibe of Nazy, yes, and your relation with him, yeah. And now we are moving on to the next one. This is NA ka bhoot chholake, ye thoda aapko ekdam chutney wali feeling, raw chutney kehte hain, ekdam gaon mein banti hai, yeah. Exactly waisa wala feel dega aapko ye, bahut ala, let's go. So how was it?
बहुत आला स्पाइसी वेरी स्पाइसी ओके आपके पास तीनों पावर है आप कभी भी ले सकते हो इट्स ऑन यू देखो मैं कोशिश करी कि मैं इख्तियार रखूं मतलब कंट्रोल करूं और हाँ तो देखते हैं मैं भी स्ट्रांग हूँ चलो लेट्स डू इट सो इसमें एवरीवन वाज सेइंग कि अरमान रणवीर लवकेश विशाल सना नेजी इन सबको थोड़ा सा शायद ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला था मे बी बिकॉज ऐसे नेजी अरमान रणवीर सना मकबूल एंड लवके तो इनको थोड़ा सा ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला था डू यू अग्री विद दैट एंड ऑल्सो द फैक्ट कि क्या उनको इसलिए मिला बिकॉज दे वर इनटू स्मॉल इश्यूज में या फिर उन सब में भी थोड़ा वो ज्यादा इन्वॉल्व थे इसलिए उनको स्क्रीन टाइम ज्यादा मिला और दैट्स हाउ बिग बॉस वर्क्स आई थिंक ये डेफिनेटली मेकर्स पर डिपेंड करता है बट मेकर्स से ज्यादा ऑडियंस पर डिपेंड करता है राइट क्योंकि अब ये जो है ये लाइव चल रहा था तो लाजमी जब लाइव चल रहा है जिसके ऊपर ज्यादा व्यूज मिलेंगे मेकर्स भी वही चलाएंगे क्योंकि उनको अपना शो चलाना है तो मुझे लगता है जिस पर तवज्जो दिया जा रहा था जिनका भी अपने नाम लिया तो बुनियादी तौर पर तो हर शो का यही होता है कि जहाँ से टीआरपी जनरेट हो रही है वहाँ पर ज्यादा तवज्जो दिया जाए तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द गेम और मुझे नहीं लगता कि ये एज सच कोई यू नो कोई मसले वाली बात है इट इज जस्ट दैट जहाँ पर उनको ज्यादा व्यूज मिल रहे होंगे उन्होंने वहाँ पर तवज्जो दिया होगा या स्क्रीन टाइम दिया होगा वरना मेकर्स तो किसी के साथ किसी का कोई पोस्टर तो कुछ है ही नहीं राइट तो और नेजी का तो बनता है नेजी का तो एक्चुअली वी ऑल लव्ड इट हां एंड आई थिंक अरमान जी का भी स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा था क्योंकि वो भी एक रीजन हो सकता है क्योंकि वो हर मसले में पड़ते थे तो वो लोग उसमें करने के चक्कर में लोग फेक भी हो जाते थे ऐसा भी होता था फेक का मुझे नहीं पता पर मुझे इतना जरूर पता है कि लोगों को दिखना होता था अच्छा अब ये कई मरतबे होता है कि यार ये खेल नहीं रही है अरे खेलने का मतलब क्या होता है कि दूसरे के फट्टे में तांग रहा हो या खेलने का मतलब होता है कि लड़ू अगर मैं लड़ रही हूँ मतलब मैं खेल रही हूँ खेलने का मतलब ये भी हो सकता है कि मेरा एंटरटेनमेंट देने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है आपके एंटरटेनमेंट देने के तरीके से सो ये वाला सीन था बट हैविंग सेड दैट कि ऑडियंस को भी ज्यादा पसंद है लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट पीपल लाइक जब थोड़ी सी लड़ाई हो एंड ऑल ऑफ दैट तो उस वजह से उनको भी ज्यादा मिलता होगा अरमान को तो मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं है But yeah, it is what it is, and that's how I think any show works. Not only Big Boss, Where they generate a lot of TRP, जहाँ को views ज़्यादा मिले, वहीं पे ज़्यादा तवज्जो देंगे. So I think it is. And जैसे कि आपने कहा कि हाँ, कुछ लोग जानबूझकर भी ना, सोचा उनको कैमरा के आगे ज़्यादा दिखना है. और कैमरा तब आपको दिखाएगा जब आप कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा करो संजीदा वाली exactly. कि सबको समझ में आए कि क्या चल रहा है एक इंक्विजिटिवनेस हो लोगों exactly. ऐसा सो एंड सीम्स लाइक यू नो बिकॉज यू वर वन ऑफ दोस पर्सन जो कहते हैं कि चलो नेजी तो यू नो अपने में ही यू नो वो खुद जनरेट कर रहे थे एंड आई डोंट थिंक दैट कि इवन ही न्यू कि यू नो व्हाट ही वाज डूइंग आउटसाइड आई डिड नॉट आई वाज क्लूलेस बट यू आई गेस यू नो यू वर दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो कहते हैं कि मैंने ये जनरली नोटिस किया कि यू वर नॉट इंटेंशनली आउट लाउड No, I wasn't. Because this is what real Sana Sultan is. मैं कह रही हूँ ना दूर से लोगों को मैं ओवर भी अपीयर होंगी कि अरे कितना ओवर करती है इतने टाइम इतने एक्सप्रेशन अब मेरी ना देखो अब मुझसे बात भी कर रहे हो ना अब देखो मेरे एक्सप्रेशन कितने निकल रहे हैं exactly. अगर मैं फेक कर रही हूँ तो क्या ही आसान है कि मैं इतने सारे एक्सप्रेशन एक टाइम पे देखूँ तो मैं नेचुरली कुछ तो इनबिल्ट मेरे अंदर है मैं हूँ पैदाइशी ओवर एक्टर अगर हूँ तो मैं हूँ और मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ मतलब मैं बहुत सारे एक्सप्रेशन एट वन गो में देती हूँ अगर उसको आप ओवर एक्टिंग बोलना चाहोगे बेशक आप बोले मुझे इससे कोई मसला नहीं बट दिस इज़ व्हाट सना सुल्तान इज आई वॉज माई रियल self and this is how I am I think fake banne ke liye na bahut mehnat karni padti hai you have to remember ki aap kya bol rahe ho aap kaise conscious कोई कितना फेक हो सकता है एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन पर मैं वहां पर 36-37 डेज थी और मैं हमेशा इस चीज में बिलीव रखती हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई सेल्फ द वर्ल्ड विल एडजस्ट वाई शुड आई चेंज क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ अगर चेंज हो रहा है तो वर्ल्ड विल एडजस्ट कि यार ये एक्चुअली ऐसी है तो उसको मैं ऐसे एक्सेप्ट कर रही हूँ बट जस्ट बिकॉज लोगों के कंफर्ट के हिसाब से मैं अपने आप को तब्दील करूंगी या मैं जैसे बात करती हूँ या जैसे मैं उसको तब्दील करने की कोशिश करूंगी मैं नहीं कर सकती क्योंकि फिर शायद मैं लोगों के लिए सही हो जाऊंगी पर मैं अपने आप को चीट कर रही हूँ और मुझे अपने आप को चीट नहीं करना मैं ऐसी हूँ एंड आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ एंड लोगों की भी गलती नहीं जैसे कि मैंने कहा कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनैलिटी है तो लोगों को थोड़ा सा लगता होगा बट हैविंग सेड दैट दिस इज व्हाट आई एम एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई सेल्फ फॉर व्हाटएवर रीजन आई एम नॉट गोइंग एब्सोल्युटली दिस इज व्हाट मेक्स मी यूनिक दिस इज व्हाट मेक्स मी सना सुल्तान एंड दिस इज माई ट्रेट एंड दिस इज योर यूएसपी एंड ऑल्सो बिकॉज यू इंटेंशनली नॉट क्रिएट दैट यूएसपी बट दिस इज यू एंड दिस इज मी बट यू आर बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ आई मीन दिस इज सुपर एक्चुअली बिकॉज आई कहते ना कि ज्यादा लोग हैं नहीं आई मीन बिकॉज
everyone has a different personality, and but you know, you're this personality. I'm probably, as I said, Zeenat Aman ji ke baad mein probably, you know, you resemble most of it in your role. Sweet. So thank you so much for that. Thank you. We are on to the fifth one. Okay. So this is Tabasco ka Scorpion hot sauce. Oh my god, okay. Tabasco तो खाया होगा पहले general version. नहीं मैंने, हाँ ये तो I think pizza वगैरह के साथ. लेकिन उसका दूसरा version रहता है. हाँ पर यही है ना, ये दूसरा version वही भूत वाला ही होगा. ये habanero है. Scorpion trainer है. ये जैसे भूत झुलके एक होता है वैसे habanero भी होता है वैसे क्या रहता है. Spicy मिर्ची का species है. हाँ species है. जैसे ट्रिनिडाड स्कॉर्पियन है. देखो अब तक तो मैंने ये पिया नहीं है, मैं कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं तक कुछ ना पीऊं. ये मुझे चैलेंजेस पसंद है. आप कर लोगे, आराम से कर लोगे. And this will also prepare you for खतरों के खिलाड़ी. I would love to do that. Guys, makers और खतरों के खिलाड़ी. मैं दिखती हूँ नाजुक सी. मुझे बहुत टेम्प्ट हो रहा है कसम से कि मैं ये पानी पी लूं. सी इज नो हार्म अपने से बिल्कुल. देयर इज आई मीन पावर इज देयर. लेट्स सी ना कितना तैयार कर सकते हैं. गुड चैलेंज है. ओके ट्राई करते हैं. तो ये मैं कहती खतरों के वाले से कि मैं लगती हूं नजाकत वाली लड़की, लेकिन मैं बहुत एडवेंचरस हूं. पैराग्लाइडिंग, स्काई ड्राइविंग, टेल मी आई हैव डन इट ऑल. वाओ सीरियसली. आई वांट टू डू इट फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस जहां से कर सकती हूं. मैं क्या ही, मैं दिखती नाजुक को. मेरा टैगलाइन है सना सुल्तान बोलते नजाकत तो खून में, बट नजाकत नहीं बहुत बोल्डनेस भी खून में. मतलब आई एम वेरी मलंग इंसान, वेरी बेबाक. आई लव ऑल दीस थिंग्स. ओ सीरियसली, यू आर टोटली एन एडवेंचरस. आई एम वेरी एडवेंचरस. आई डोंट लुक लाइक वन दो, बिकॉज आई फील पीपल थिंक आई एम वेरी नाजुक एंड उर्दू एंड नजाकत और नफासत वाली लड़की, बट आई एम वेरी एडवेंचरस. मुझे पता क्या लगता है, लोग अक्सर एडवेंचरस क्यों नहीं होते, क्योंकि उनको जान का खतरा होता है क्या ये सब करने में हमारी जान चली गई. मुझे लगता है खुदा ने वो एक मुकर्रर वक्त हम सबका दिया हुआ है कि इस वक्त पे जाना है. अपनी जिंदगी जीना क्यों बंद करूं इस खौफ से. मैंने खौफ ज्यादा होती है. और एक बार आप वो कर ले तो उसके बाद में तो यू. या सो आई तो लव इट, सो ब्रिंग इट ऑन. आई एम लाइक दैट. सी नाउ आल्सो आई एम नॉट, बिकॉज़ आई लव दैट. आई लाइक दैट किक मिलता है मुझे इसमें. जितने चैलेंजेस उतना किक मिलता है. वाओ या खतरों के खिलाड़ी के नेक्स्ट ईयर के कंटेस्टेंट्स में. यस या सो ये एक ना ऑडियंस का सवाल है. तो हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी में डाला था कि यू नो वी हैव सना सुल्तान कमिंग इन एंड यू नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू नो सो लेट अस नो. सो वन ऑफ द क्वेश्चंस, तो दिस इज महुआ मुखर्जी 4301. ही और शी आई डोंट नो. महुआ इज शी. या शी हैज आस्क्ड कि व्हाई डू हेट अरमान मलिक सो मच. Why do I hate Arman Malik so much? See, hate is a strong word, very ज़्यादा strong word. So, जैसे कि मैं घर से बाहर आई हूँ ना, वो टाइम में मुझे बहुत गुस्सा आता है. जैसे कि मैंने कहा, हेट मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ मैं कंपेरेटिवली उनको नापसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब सबसे पहला रीज़न कि मुझे वो हिपोक्रेट लगता है. हिपोक्रेट इन दिस वे कि जब उनको थुलथुला बोला गया, उन्होंने इसका एक बहुत बड़ा एक रकस क्रिएट किया और उन्होंने बोला कर कि हाउ डेयर दे बॉडी शेम मी. और उन्होंने वो टाइम पे ये भी बोला था कि भाई हम कितना भी झगड़ा कर ले, हम किसी को बॉडी शेम नहीं करते. कट्टू जब वो मेरे साथ टास्क हुआ, उन्होंने क्या किया, मुझे बॉडी शेम किया, फेस शेम किया, सारी चीज़ें उनको जो करने थे वो उन्होंने पूरी कोशिश की करने की. तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही हिपोक्रेट इंसान है और मेरा हिपोक्रेट इंसान से बन नहीं सकता. दूसरा, उन्होंने साई के साथ भी कोशिश की. अच्छा, उन्होंने जो मुझे हाइट शेम करने की कोशिश की, मैं 5'2" या 5'3" के करीब मेरी हाइट है, जो एक बहुत डिसेंट एवरेज हाइट मानी जाती है. बट फर्ज करो मैं ज़्यादा शॉर्ट भी होती. उनको मैंने रीज़न भी बताया था कि मैं हील्स क्यों पहनती हूँ. मैंने बाज़ दफ़े बोला, मैं आपको भी बताती हूँ, मेरा पैर का स्ट्रक्चर ऐसा हो चुका है अभी, क्योंकि मैं बचपन से हील्स पहनती हूँ. शौकिया तौर पर पहनती थी, अम्मी का देख देख के मेरी अम्मी पहनती थी. अब मेरा स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, अब मैं बाई चांस अगर फ्लैट पहन के ज़्यादा चलूंगी ना, तो मेरी नस पे नस चढ़ जाती है. एक मेडिकल कंडीशन है. अब बेशक कोई भी डॉक्टर से पूछो, अगर बहुत सारी लड़कियाँ ये केस से जूझे तो वो इससे रिलेट कर पाएगी. मतलब मैं प्रेगनेंट भी हो जाऊँगी कल को, तभी भी मुझे 2 इंच से मुझे पहनना पड़ेगा. ये एक चीज है. तो मुझे वो घर में क्यों पहनना पड़ता था, क्योंकि जो बाथरूम था वो बेडरूम से बहुत दूर था. हाँ. वो गार्डन से होकर आपको बकायदा इतना, तब तक मैं अगर चली फ्लैट पहन के, फिर मुझे घड़ी घड़ी मेडिकल रूम में जाना पड़ेगा कि नस में नस चढ़ रही है. और उनको ये बताई थी, बट तो भी उनको ये काफ़ी था कि हील पहन के क्यों घूमते, क्योंकि अलग से. उन्होंने मेरी हील के ऊपर नहीं बोल के 500 मरतबे कमेंट करे. यार ये भी एक सलाहियत है, अगर आप में नहीं है तो यार ये आपका मसला है, मेरा मसला तो नहीं है. अरमान जी ग्रो अप, मैं उनको यही बोलूँगी. सो जब उन्होंने वो चीज़ की बॉडी शेम, तो मुझे वो भी बुरा लगा. फेस शेम किया कि फ्लॉप पिक्चर की एक्ट्रेस या जो भी उन्होंने चीज़ें बोली. और फिर ये सारी चीज़ें आई थिंक एक से ज़्यादा रीजंस है कि मैं क्यों उनको नापसंद, हेट नहीं पर नापसंद करती हूँ. बट अगेन जब हम ग्रैंड फिनाले पे मिले, वॉज वेरी स्वीट. अच्छे से आया, मुझसे बात की कैसी है क्या है.
नॉर्मली बात की तो वो हो जाता है ठीक, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल में रह जाता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था। करेक्ट, श्योर, थैंक यू। सो महुआ मुखर्जी, यू वुड नो व्हाट योर आंसर वाज। Yeah, thank you so much. We are moving fast now. We are moving on to the next one, and this is India's hottest hot sauce. You can't get hotter than this. ज़्यादा कर रहे हैं अब आप मुझे, मतलब आप डरा रहे हैं मुझे. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं यार, because you're already a pro in adventures and everything, and we have seen your role in Big Boss OTT and सब कुछ इतना अच्छे से किया आपने, तो I'm sure you'll be able to easily able to survive this. Yes. वैसे आपको तो Big Boss में भी जो task हुआ था, I was a man of the match in that, or let's say woman of the match, जब हमें वो Oppo Mobile जीतने वाला task था. Full on, I was like, yeah, bring it on. मजे से क्या, हमने मोबाइल भी जीता जो मैंने अपनी अम्मी को दिया। Oh nice. Yeah. Cheers. Okay. I'm really nervous to have this, but sure. Spiciest of all. सबसे ज़्यादा difficult है ये वाला। इख्तियार रखे सना सुल्तान या कुछ पी लिया जाए। अंदर से आवाज आ रही है। You are stronger than you think, Sana, go on. Bring it on. Oh wow, guys, no power yet. Like it. सब okay. This way we would want to hear from you. That's spicy. This one was the most difficult. That's why it's called India's hottest hot sauce. Tikiest of all. Probably this is the spiciest that you have ever had. इससे spiciest चीज मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई है। और मिर्ची का भी मैंने challenge किया था, 3 मिर्ची मैंने खाई थी, वो सबसे hardcore था, but I think उसको भी beat कर दिया जिसने। वो टाइम तो पानी पी रही थी मैं, लेकिन आज मुझे इख्तियार रखना है अपने आप पे, मुझे देखना है कि मैं कितनी हद तक स्ट्रॉन्ग रह सकती हूं। Okay, so if you're not having it, I'll also not have it. No, you have. No, please. Let's do it together. Yeah, absolutely. Try this? Yeah. देखो कर लो ये, मुझे आई लाइक, मुझे किक मिल जाए इन चीजों में। नहीं, ये तो मेरा काम है, तो इट्स ओके। आपको भी किक मिल रहा है। ओके ओके, इसमें सब लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, एंड वन ऑफ द सिचुएशन जैसे इनिशियल एपिसोड्स में ये भी हुआ था कि जहाँ पे राशन आया था, आप लोगों ने पहले एक दो दिन के अंदर ही राशन पूरा 15 दिन का खत्म कर दिया था, उसके बाद में सिर्फ फ्रूट से काम चला रहे थे। फिर a lot of people also said that, like Sana Maqbool said that ki, you know, this was not in the contract, and then also, you know, you guys were almost starving to death. Yeah. So kya actually mein scripted hota hai, kya actually mein aisa pura scene chal raha hota hai ki kuch khane ke liye nahi mil raha hota hai aisa karke? Nothing in the world is scripted, at least I mean not Big Boss for sure, kyunki pehle mujhe bhi lagta tha jab mere fellow dost aate the Big Boss karke, to mera bhi pehla sawal ye hota tha, nahi aisa kuch bhi nahi hai, सिचुएशंस ही ऐसी क्रिएट की जाती है, पी लीजिए आप। नहीं चले, सिचुएशंस ही ऐसी क्रिएट की जाती है कि सामने वाले का झगड़ा हो जाता है, अब आपको भूखा रखेंगे तो लाजमी आपका पारा नॉर्मली इतना है तो इतना हो जाएगा, लहजा इतना तो इतना हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो सच में सिचुएशन हमारी बेवकूफ़ी थी कि हम इतने ज़्यादा ओवर एतमाद, इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे और एक्साइटेड थे कि हमने पहले दो दिन में पूरा मुकम्मल कर लिया राशन, फिर रियलाइज होता है कि तो एक हफ्ते का था, बिग बॉस ने बोला कि आपको पता था कि ये कितने टाइम का है, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंटली आपने कैसे मतलब ये किया। और मैं अक्सर कहती हूँ, ये बिग बॉस यूनिवर्सिटी, हम यहाँ पे सीख कर जाते हैं, हम सब स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, तो बीइंग स्टूडेंट हमने ये सीखा कि यार जो भी है बहुत तमीज से और कायदे से चीज़ों को खाया पिया जाता है, जंगली की तरह नहीं, जो हमने किया तो हम लोग को ये चीज़ का एहसास हुआ, तो स्क्रिप्टेड नहीं था सच में, वो ऐसे सिचुएशन आई जहाँ मोरिंगा का सूप पीना पड़ा, जो जिंदगी में वो सब्जी को ऐसे पलट के मैं ना देखूँ उसके ऊपर हम जी रहे थे। Wow. ये वैसी सिचुएशन थी वो, बट दैट इज व्हाट बिग बॉस इज ऑल अबाउट, इट टीचेस यू, मतलब मैंने सब्जी खाना सीखी है, मैं कट्टर नॉन वेजिटेरियन हूँ, पर मैं भी वेजिटेरियन बहुत शौक से खाती हूँ, क्योंकि और कुछ मिलता ही नहीं होगा वहाँ पे। हाँ, तभी तो ऑप्शन ही नहीं था। हाँ। तब तो जान बचानी है, तब तो भूख लग रही है, पेट को सुकून देना है, मुतमईन होना है, भाई क्या करेंगे, तो मोरिंगा का जूस पी लिया, तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था। वो तो कहता है ना कि पेट की चीज है, भूख तो सबको बहुत प्यारी है, माशाल्लाह सब अंदर फूड इंसान है, मेरी तो फिर भी खुराक है कंपैरेटिवली लोगों से कम है, ठीक है। लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसी थी, आप यकीन माने हैविंग सेड दिस कि पागल हो गए थे लोग, और उस दौरान तो ज्यादा झगड़े हो रहे थे लोगों के, भूखे पेट से पागल हो जाते हैं। वेट लॉस अलग ही हो गया होगा, वेट लॉस सबका हुआ, मेरा भी हुआ,
सिर्फ मेजी मार्शल एक ऐसा शख्स था जिसका वेट लॉस ने जो वेट गेन करके आया, बिग बॉस की हिस्ट्री में पहला एक ऐसा कंटेस्टेंट जो वेट लूज नहीं गेन करके आया। कैसे हवा लगी क्या? नहीं, मैं देती थी अपना खाना, उसके सब अजीज तरीन दोस्त थे तो सब अपना अपना देते थे खाना उसको, मतलब मेरे तो खुराक ही कम थी तो मेरे दो अंडे होते एक में उसको दे देती थी, दोस्ती दोस्त हो ना, मतलब दोस्ती की उधर निभाऊंगी, ऐसा था। नाइस यार, थैंक यू सो मच मिर्ची। अब मुझे लग रहा है कि आठवें नंबर पे मैं तकलीफ देना भी गलत है, इख्तियार रखो बट इतना भी नहीं है खुद को तकलीफ हो। लेट्स सी, आई विल ट्राई वन मोर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस इज ज़ॉम्बी का अपोकलिप्स हॉट सॉस। एक तो नाम भी इतने माशाल्लाह है, ज़ॉम्बी के क्या अपोकलिप्स, ज़ॉम्बी के अपोकलिप्स, मेरे को उसका तलफ्फुज भी नहीं आ रहा है, आई कांट इवन प्रोनाउंस इट, इट्स अपोकलिप्स, अपोकलिप्स, ज़ॉम्बी के अपोकलिप्स, क्या ही हो गई ये चीज, ये कहते हैं प्रलय, ज़ॉम्बी का प्रलय। ओह माय गॉड, ओह, बट यू आर डूइंग रियली वेल विदाउट पावर, आप सही में बहुत अच्छा कर रहे हो, ट्राइंग, सही तकलीफ मिलती है इन चीजों में। क्या बदलना चाहते या फिर क्या चीज ऐसी करना चाहते जो नहीं हुई और आप करना चाह रहे होते? कुछ नहीं, मैं बहुत मुतमईन हूँ अपनी जर्नी से, और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, दिस इज साउंडिंग वेरी कूल, वेरी ऑनेस्टली मैंने क्या कहा, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या था, जब मैं घर से बाहर आई ना, पहला कॉल मैंने अपनी अम्मी जान को किया, मैंने अम्मी को बोला अम्मी हाउ वाज आई, पूरा मेरा उसके ऊपर डिपेंडेंट था, अम्मी के मुँह से एक जुमला निकला, बेटा मैं आप पे फख्र है और आप जो डिग्निटी और ग्रेस से गए थे वो डिग्निटी ग्रेस से वापस आए, ये जुमला मेरे कानों में गया है, आई वाज लाइक दिस इज इट। तो अगर मेरी जर्नी मेरी अम्मी अब्बा को पता है, मेरे दोस्तों को पता है, सबने तारीफ की, और ये वैसे कमीने दोस्त है जो जानबूझ के तारीफ नहीं करते, जो कोई चीज़ गलत है तो बोलते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही मुझे देते कि देख तेरा ये गलत था वो गलत था, उन्होंने तक कुछ बुरा ही नहीं बोला, लाइक सना यू आर योर रियल सेल्फ। हाँ, लोगों के लिए ऐसी शख्सियत थोड़ी सी डिफिकल्ट है हजम करना, क्योंकि है ही नहीं, कोई रेफरेंस नहीं है ना, कोई रेफरेंस नहीं है, तो इन लोगों को फेक लगेगा, और कहीं ना कहीं मैं भी मेंटली प्रिपेयर थी, बट मैं अपने आप को तब्दील करूँ जस्ट बिकॉज मुझे अंदर एक्सेप्टेंस मिले, या यू नो लोगों को लगे कि हाँ शी इज रिलेटेबल, मैं नहीं हूँ थोड़ी सी रिलेटेबल क्योंकि मेरी शख्सियत मुख्तलिफ है, बट मैं ऐसी हूँ। सो हैविंग सेड दैट, मुझे रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैं अपनी रियल पर्सनैलिटी अंदर शोकेस करके आई हूँ, जो मैं ऐसी हूँ, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, तो उसे मुझे कुछ तब्दील करने की जरूरत नहीं। मेरी जर्नी में मैंने क्या बोला, मुझे जितनी चाहिए थी मुझे उतनी ही खुदा ने दी है। I'm very happy at the point that I came. It was a very perfect time. कुछ relationships आप बदलना चाह रहे थे या फिर कुछ होता या ना होता? Relationship तो मैं नहीं बदलना चाह रही थी कि मैं अपने दोनों दोस्त से बहुत मुतमईन थी, बस सिर्फ इतना ज़रूर है कि मैं चाहती कि साई के साथ थोड़ा सा जाने के टाइम पे हुआ, वहाँ पे अगर मैं कोशिश करती कि मैं वो चीज़ ना होने दूँ, या कुछ लोग हैं जो उनके मंसूबे में उनको कामयाब, उनके प्लान में उनको कामयाब ना होने दूँ कि साई और सना को डिवाइड एंड रूल करना है, वहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा कुछ कर सकती हूँ तो शायद वो डेफिनेटली यस, बट फिर भी उसमें भी कोई मलाल नहीं है, क्योंकि आई थिंक हर दोस्ती में एक ऐसी सिचुएशन आती है जब कोई तीसरा इंसान आता है तो ऊपर नीचे होता है, आपके भी दोस्त होंगे, आपके भी झगड़े हुए होंगे, मेरे भी हुए होंगे, तो आई थिंक ये ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, वरना ज़्यादा फेक लगता, पहले ही लोग फेक बोल रहे हैं तो और फेक लगता है कि ऐसे कैसे, बट यार This is what it is. Even before Big Boss OTT, what लोग आपको कैसे जानते थे? मतलब ये क्या उर्दू वाला चीज़ ये तब से ही? तब ये पिछले 5-6 साल से, वैसे भी इंडस्ट्री में जो भी मुझे जानता है, मेरी एजेंसी मुझे मैनेज करती है, तो वो वहाँ पर दो सना थी, वहाँ पर भी दो सना थी, तो लोग मुझे ऐसे रेफर करते, अच्छा वो उर्दू वाली सना, 5 साल से है ये, मैं पंजाब इंडस्ट्री में मैंने 40 गाने किए हैं, ऑल माशाल्लाह पॉपुलर सिंगर्स, और सबकी मुझसे ये बात निकलती है इतनी प्यारी जुबान बोलती है, हर किसी ने तारीफ की है मेरी उर्दू की,
सो ये इनको पता है कि मैं ऐसी बात करती हूँ, 5-6 साल से मैं ऐसी ही हूँ, पहले भी तमीज से ही बात करती थी, पहले भी कोई बदतमीज इंसान नहीं थी मैं, पर जो खालिस लफ्ज होते हैं, जो कुछ अभी अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो जो मेरी उर्दू की वोकैबुलरी है वो ज्यादा बेहतरीन हो गई है, क्योंकि अब मैं लिख रही हूँ, मैं थोड़ा सा शायरा वाले जोन में हूँ, मुझे पसंद है लिखना अपनी कैफियत, और मुझे लगता है जो आप उर्दू में लिख सकते हो ना उसकी एक अलग फील होती है, समथिंग वेरी प्योर अबाउट दैट लैंग्वेज, एंड आई कैन जस्ट रिलेट माई पर्सनैलिटी टू द लैंग्वेज सो मच, I think it's a part of me. And there's a depth to the language. It is. और आपको पता है उर्दू के कितने ऐसे लफ्ज़ हैं जिसका actual exact translation भी हमें हिंदी में नहीं मिलता. Wow, seriously? काफी ऐसी चीज़ है जो हम लिखते हो तो हमें समझ में आती है कि इसका चाके भी मैं कोई हिंदी वो नहीं निकाल सकती. Nice. और जो सुनने में भी जो इतना pleasant लगता है, खूबसूरत नफासत वाले अल्फाज, ओहो. So, if you have to, एक तरीके से अगर आप ऐसा सोचो कि जैसे बिग बॉस जर्नी अभी खत्म हुई, अगर आप ओवरऑल जैसे आपने अपनी मॉम का, उन्होंने आपने फीडबैक लिया, उन्होंने आपको बहुत अच्छा फीडबैक दिया, फिर आप ओवरऑल ऊपर से देखोगे तो यू फील लाइक यू नो दिस इज अ थिंग जो आपके साथ में हुई, जो एक्चुअली में आपका यहाँ से करियर बदलने वाली सिचुएशन थी बिग बॉस. Do you feel that as the benchmark, or it was like one of the peaks that came and then it went away? Like Big Boss as a whole for my career and my entire being, you mean? Definitely, मुझे Big Boss ने बहुत दिया है, and वो इसको इस तरीके से bifurcate करे personal life में भी और professional life में भी. Personal life में ये कि मैं ज़्यादा समझदार होके बाहर आई हूँ, मुझे खाने की कदर हुई है, जैसे हम starve कर रहे थे, मुझे लोगों की कदर हुई है, रिश्तों की कदर हुई है, अम्मी अब्बा को मैंने मिस किया, काफ़ी मेरे और अजीज लोग हैं जिनको मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, तो मुझे उन चीज़ों की कदर हुई है. पर्सनल लाइफ में ये ग्रोथ था. प्रोफेशनल लाइफ में ये कि मैंने 40 म्यूजिक वीडियोस किए थे, बट सच कहूँ तो वो मेरी फेस वैल्यू उतनी तभी नहीं थी, क्योंकि गाना कैसे आता है जाता है और आप एक्टर के तौर पे इतने रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, बट अब बिग बॉस के बाद मेरी फेस वैल्यू माशाल्लाह काफ़ी बढ़ गई है, मास्क भी पहन के जाती हूँ तो लोग पहचानते हैं, और ये जो एक आला लफ्ज़ है ये तो वो लोग खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ पर, मतलब एक माहिरा थी जो मसला छोड़ के चली गई, एक सना सुल्तान है जो आला छोड़ के चली गई, तो मैं जिधर भी जाते लोग मुझे आला गर्ल ही बोलते हैं, वेर एवर आई गो यू आर द आला गर्ल, यू आर आला, नहीं नो आई एम सना सुल्तान, आला, दिस इज व्हाट इट इज, सो आई एम वेरी हैप्पी विद माई जर्नी. और ये भी मैं सोच कर नहीं आई थी कि मैं वहाँ पे कोई ऐसा एक वर्ड छोड़ के आऊंगी सो दैट ये मेरे लिए काम आए. इट वॉज सो ऑर्गेनिक. इवन अनिल सा फॉर दैट मैटर, ही ऑलवेज प्रेज्ड मी, ही सेड आई जस्ट लव द वे यू टॉक सना. Actually, yeah. I mean, you're so mesmerizing. You know, it's like actually whenever you're talking, like even while you feeling spiced right now, you know, it feels like, you know, it's so mesmerizing whenever you're talking. So seriously, so wonderful. Thank you so much for that. So yeah, you have just cleared zombie apocalypse. Now we on to the next one. 8th, 9th. This is 8th. Oh, 3 more to go. And this is our nuclear weapon called the bomb beyond. What's the weapon? न्यूक्लियर वेपन कॉल्ड न्यूक्लियर, जो सोचो जो सॉस का नाम ही न्यूक्लियर हो, सॉस का नाम है द बॉम्ब बियॉन्ड इंसैनिटी. कुछ बोलने की जरूरत है मुझे? और कुछ बोलने की, द नेम इज इनफ. ओके, लेट्स डू इट. स्टिल विद नो पावर, अपना पानी आग से नाक से हर जगह निकल रहा है, बट कोई नहीं, किक मिल रहा है. गोइंग स्ट्रॉन्ग, घूम रहा है. इट्स वेरी नॉर्मल. सर घूमना इज नॉर्मल ना? इट्स नॉर्मल. ऐसा घूमता है ये वाला है ना लवलीज, इतने सारे खाए, इसमें बकाया था ऐसा लगा झुक करके पूरी दुनिया का चक्कर काट के एक सेकंड में. क्या चीज थी यार ये लोग खाते हैं? ऐसे लोग दुनिया में होते जो बकायदा इसको खाते? वैसा नहीं, जैसे कभी 100 लोगों के खाना मिला तो पूरी बॉटल पर डालते. कितना इख्तियार रख सकते हैं हम, रखेंगे. But it's very spicy, no? It's very spicy. Okay. Yeah, I mean, no problem. You can have it. अच्छा मुझे रैपिड फायर.
ओके इसमें आपको कुछ इमोशंस बताऊंगा, आपको कंटेस्टेंट के नाम बताने उसके अगेंस्ट पे। हसमुख, हसमुख, शिवानी, लेजी, मेजी, मैनरलेस, अरमान, बेवकूफ, कोई नहीं, सब वहां पे अच्छे खासे जहीन है, कोई बेवकूफ नहीं वहां। स्मार्ट, हर कोई, सना मकबूल, चलाक, रणवीर, दोस्त, नेजी, साई बोथ, क्रेजी, नेजी, झूठा, नो नो वन, झूठा को नहीं लगा, अनटाइडी, 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 कौन था यार अनटाइडी यार? देखो इट वॉज गलत है बट इट वॉज बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशन, तो इसलिए दीपक सर का जो वो सब चीज़ होती है उससे बिखरे पड़े रहते थे, अनऑर्गेनाइज होती है, बट इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट, तो बिकॉज ऑफ दैट। श्योर, मेक सेंस। कन्फ्यूज, आँख में से पानी निकल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, पूरा जहन में कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चन पर आया, बट यहाँ पर है। क्या क्या सवाल था? कन्फ्यूज, मुझे लगता है मैं खुद को बोलूंगी फिलहाल। रोमांटिक, घर में रोमांटिक का आर्मी नहीं था किधर, बट आई थिंक मी, आई वाज विद शेरू, शेरू और मेरा एक अलग रोमांस था, सोचो उसको छुपाया जा रहा है, मैं रो दी, ये तो रोमांस नहीं तो क्या है। बाकी जब मैं बाहर बैठती थी तो कौवे ये सारी चीज़ें आती थी, तो मैं उनके साथ भी बात करती थी, तो उसको रोमांस ही बोलेंगे, लेकिन एक मेरा अलग ही था, मैं एक अलग जोन में रहती थी। वाओ, कौवे, मैंने कौवा कौवा बोलता था मैं अभी तक, कौवे, कौवे आते थे ना, दो चार आते थे, बात करती थी उनसे, कैसे हो क्या, तो उन्हीं 11-12 लोगों की शक्ल देख देख के उनसे बात करके मैं पक गई थी, कौवे कुछ मुख्तलिफ दिखते थे वहाँ पे, तो उनसे मैं बात कर लेती थी, मज़ा भी आता था, भी काव काव करते थे, एक तो मुसलसल रोज आता था, एक तो रोज आप उधर ही बैठता था, मैं बात करती थी, वो सुनता भी था मेरी बात। अम्मी ने बोला कि एक दो एपिसोड में दिखाया भी हो। वाओ, एंगर इशू, एंगर इशू नहीं आ रहा कोई जहन में, सच में नहीं आ रहा। शाय, नेजी ओनली, कॉन्फिडेंट, आई थिंक कृतिका, आई एम सेइंग कृतिका, यू नो कभी कभी वो लेम जोक्स भी मारती थी, पर इतने कॉन्फिडेंटली मारती थी जैसे मेरे जैसे जोक्स दुनिया में कोई मार ही नहीं सकता, तो शी वॉज वन ऑफ दोज। काम, काम, मी, सना सुल्तान। बोर, बोर नहीं, हर किसी की शख्सियत थी तभी वो बिग बॉस में मौजूद है, कोई बोर नहीं था वहां पे, सबकी एक अलग शख्सियत थी, नो वन, मतलब बुरे भी थे पर बोर नहीं थे। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, रैपिड फायर जस्ट गॉट ओवर एंड वी हैव जस्ट क्लियर्ड द बॉम्ब बियॉन्ड इनसैनिटी, दिस वाज स्पाइसी, दिस इज बियॉन्ड सैनिटी इंडीड, ये बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द स्पाइसी शो ऑफ इंडिया। बस दो और बचे, दिस इज द नेक्स्ट वन, डू इट, कम ऑन, नो वरीज, ब्रावाडो का एंको मसाला, क्या ब्रावाडो का एंको मसाला, मसाला, ओह माय गॉड, This is mix of all the spices. ये एक अलग नशा है, नायाब चीजें यहाँ पे मौजूद आपके। और थोड़ा सर काम करना थोड़ा कम कर गया होगा। सच में आप नहीं कर रहे, तभी तो मैं थोड़ा सा वो perplexed हो गई, वो challenge लिया है मैंने। चलो। Cheers. I'm good. आग से पानी निकल रहा है। हाँ, मेरे भी निकल रहा है। हाँ, ये क्या चीज़ है? कोई बात नहीं, हम बोल, पता है क्या, आधी ज़्यादा चीज़ हम महसूस करते हैं इसलिए हमें फील होती है। एक ना बहुत प्यारा कोट है, वो कोट ऐसा है, इट सेज कि इंसान के पास ना बहुत सारी काबिलियत है जो उसके अंदर है, पर हम उसे महसूस नहीं करते। उसी तरह ऐसा कोई चीज़ है जिसका इलाज हमारे अंदर नहीं है। हम देखा जाए तो हम सोचते हैं कि हम एक थोड़े से छोटे से इंसान है, लेकिन हमारे अंदर पूरी कायनात बसती है। एग्जैक्टली, कितनी प्यारी बात है। एग्जैक्टली, इसलिए जब मैं खेल रही हूँ ना, तो मैं अपने कोट को वो जहन में घड़ी घड़ी दोहरा रही हूँ, सर इट इज कमिंग इन माई हार्ट एंड माइंड, यू नो वर्ड, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं पार कर सकते, चाहे चैलेंज भी क्यों ना, छोटी सी चीज़ है, बट अगर हम इसके भी इख्तियार रख सकते हैं, वी आर हेल्ड बाउंड ऑन दिस, कि बाबा ये मैं कर सकती हूँ, बिना एक भी पावर ली तो मैं कर सकती हूँ,
यूनिवर्सेस विद इन, हाँ माइथोलॉजी में कहते हैं ना कि यूनिवर्सेस इज विद इन, गॉड इज विद इन, यूनिवर्सेस विद इन अस, वी हैव दैट पावर. मैं कह रही हूं ना, अपने आप को अंडरएस्टिमेट करते हैं कि हम इतने से इंसान है, नहीं, हम में बहुत पावर है. ऐसी छोटी मोटी चीजों में अपने आपको प्रूव करेंगे तो हमारा एतमाद और बढ़ेगा मुस्तकबिल, फिर हम बड़ी चीजों में भी बोलेंगे कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ. आई वांट टू बी वन ऑफ दैट पर्सन, यू नो, हु वांट्स टू स्मैश a goal and be like, I can do this also, I can do this also, bring it on, I can do this also. Let's see. ये भी checklist में. Checklist में tick. Tick. Yeah. Okay. So in this one, what is coming next? You know, what is coming next? क्या क्या कर रहे हो, क्या projects चल रहे हैं, क्योंकि सबको, सबको, सारे audience, everyone wants to know what's next for you. In fact, me, I'm really looking forward for what you'll be doing next. So I always believe in upgrading. मैं आपको बताऊं, एक मिनट के अंदर फटाक से बता देती हूँ. मैंने स्टार्ट किया था इवेंट्स से, इवेंट्स करती थी, ज्वेलरी इवेंट्स होते हैं ना जहाँ पे आपको 1,000-2,000 रुपए मिलते हैं, आप ज्वेलरी पहन के बैठते हो, वो हाँ. किया. मैं मीडिया स्टूडेंट थी कॉलेज के टाइम पे, मैंने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, फिर मैं इन्फ्लुएंसर बनी, फिर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पे फीचर हुई, फिर मुझे म्यूजिक वीडियोज मिलने लगे, फिर मैंने कहा अब क्या करूँ, फिर बिग बॉस मिला, अब वो भी हो गया, अब क्या करूं, टाइम फॉर द नेक्स्ट अपग्रेड, व्हिच इज आई थिंक यू गाइस आर गोना सून सी सना सुल्तान इन हर ओन वॉइस. मतलब मैं एक कोशिश कर रही हूँ अपनी आवाज में कुछ गाने की और आपके सामने कुछ पेश करने की, तो मे बी अ सॉन्ग वुड कम. वाओ Wow, wow, see, you just got the validation. Damn, universe is responding. Thank you, God. Thank you, universe. Dilli ki awaaz mein meow, main samajh gayi ki upar wala bol raha hai ki haan, hak hai, karo. Wow. Music video coming hai, kab aane wala hai? Let's see. I am in talk with few labels and jidhar se bhi aadha darje ka mujhe deal mile wahan par, hopefully. Wow, wonderful. And are you open for the movie projects? Yes, yes. I've got an offer for a Punjabi movie also. Abhi main naam nahi lungi. Uska bhi mujhe offer aaya hai. Jis tarah meri Punjabi itni khalis nahi hai. But they are like, if you are keen on it, we can do. Uske alawa mujhe ek TV show ka bhi offer. In fact, 2 TV shows kya hai. Ek hai jo naye channel ke liye. So, usse main uske liye thoda sa skeptical hu. Dusra wale kafi prime channel hai. Lead hai, sab kuch hai. But wo 2-3 saal chalega. Tab mujhe ye lagta hai ki meri creativity, jo mujhe performer zone mein jana hai, wo 3 saal bahut hote hain. Apni zindagi ke 3 saal. तो थोड़ा सा भी कश्मकश में हूँ, बट एज अ ह्यूमन मुझे लगता है कि मेरे सामने 3 दरवाजे, खटखटाऊंगी सब पे, जहां पर ज्यादा आला रिस्पॉन्स होगा आपको, दैट वे जहां पे लोग मुझे एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में आपको कोई स्टार नहीं बना सकता. आप, मैं एक नॉन फिल्म फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और अगर मैं फिल्म फैमिली से भी बिलोंग करी तो मुझमें एतमाद नहीं होता कि मैं स्टार बन जाऊंगी, क्योंकि स्टार आपको ऑडियंस बनाती है. लोग आपको पसंद करें तब आप कुछ बन सकते हो. तो जो भी मैं सामने रखूंगी, उनके सामने पेश करूंगी, जहां पर वो मुझे एक्सेप्ट करे वहां पर फिर आपको मैं दिखूंगी. बट अभी फिलहाल 2-3 चीजें हैं. लेट्स सी वेयर वुड आई वांट टू गो. I so wish to know your background from कहाँ से आए, मतलब आपकी पूरी जर्नी कैसे रही है, how was your upbringing, आपने कौन दोस्त यार थे, and then you know how you have reached here, because you know having 6.5 million followers on Instagram, it's not a small thing at all. बड़े बड़े actor actresses के नहीं है, but you are amongst one of those. So how did you do this entire thing from, I don't know, from where to right now? I'll tell you why. बचपन की बात बताती हूँ. मेरा एक बड़ा भाई है, निसार नाम है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट, वो हमेशा से रहे, सारे टीचर्स का फेवरेट. आई वॉज दिस डम गर्ल, आई वॉज वेरी शाई टिमिड. मुझे आप बोलोगे ना जाके एक बर्गर भी ऑर्डर करने रेस्टोरेंट से, मैं उसमें भी 10th तक मैं उसमें भी शर्माती थी कि मैं बर्गर मैं कैसे ऑर्डर करूँगी. सोचो इस लेवल तक मैं अंडर कॉन्फिडेंट लड़की थी. और कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंस किस लिए था, क्योंकि मेरा यही था कि भाई यहाँ पर था, मैं यहाँ पर थी, तो ओपन डे में अम्मी जाती थी, तो अम्मी को सुनने मिलता था भाई के हवाले से अच्छी चीज़ है, मेरे हवाले से बुरी चीज़ है. तो वो कहीं ना कहीं टफर है, ये है वो, मैंने काफ़ी सुना. अच्छा, मेरा जो टैलेंट था वो था इन चीज़ों में, क्रिएटिविटी में. और मैं ICSE स्कूल से बिलोंग करती थी, ICSE स्कूल से बिलोंग करती थी, तो हम लोग के पास कभी ड्रामा ये सारी चीज़ें होती नहीं थी. गलती से सिर्फ 10 साल में एक बार ड्रामा हुआ स्कूल में, जहाँ पे मुझे विच का कैरेक्टर मिला, क्योंकि वो एक कैरेक्टर बचा था, तो मैंने उसके अंदर ऑडिशन किया. मुझे उसका डायलॉग आज तक याद है, सो माई लकलेस लवलीज हैव यू एनीथिंग टू से, ऐसा कुछ तो उसका डायलॉग था, मुझे पूरा याद है. वो मैंने कैरेक्टर अदा किया, प्रिंसिपल ने बुलाया ऑफिस में, एक मेरी टीचर को बोला, तस्नीम सेठवाल आंटी, वो बच्ची को बुलाओ जिसने विच का कैरेक्टर प्ले किया. मैं गई और उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया, से वन डे यू विल बी अ बिग स्टार माई डियर, यू आर सच अ गुड एक्ट्रेस. दैट वन थिंग
that one jumla was stuck in my head. All these old people call me duffer, this, that. अगर आप मुझे पूछोगे ना कि मुझे क्या, किसने मेरा एतमाद बढ़ाया है, वो एक जुमला, वो एक सेंटेंस मेरी प्रिंसिपल का कि वन डे यू विल बी अ स्टार. इतने टाइम मुझे सिर्फ डीमोटिवेट किया गया, बट सिर्फ वो एक जुमला मैंने अपने जहन में रखा. इट्स टाइम टू प्रूव. मैं एक दिन अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी. चलो मुझे टफर बोलते हैं, सब बोलते हैं. और सोचो दसवीं में क्या मुआवजा हुआ. मेरे भाई को 78% मिला, मुझे 80 point something मिल गया. डफर मुझे बोलते थे. मुझे आज भी याद है जब हम साइबर कैफे गए थे, मेरे भाई ने मेरा रोल नंबर डाला इंटरनेट पर. नहीं, तेरी शक्ल 80% वाली नहीं है. फिर से डालता हूँ. फिर से डाला 80. उसका तो 70. मुझे खुद को नहीं पता कैसे ये हुआ, बट ये मौजा हुआ. मैंने कोई खास पढ़ाई नहीं की थी. एक जुनून था. बहुत नमाजें भी पढ़ी थी तहज्जुद की, मिरेकल वाली. लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा एतमाद वहां से बढ़ना चालू हुआ. प्रिंसिपल का वो एक कमेंट, इसलिए मैं कहती हूँ जब आप किसी को कोई अच्छी या बुरी चीज़ बोलते हैं ना, वो उसके लिए लाइफ टाइम तक रहती है. चाहे वो एक सेंटेंस क्यों ना हो, दैट वन सेंटेंस विल बी देयर इन माय हेड फॉर लाइफ टाइम. क्योंकि प्रिंसिपल है, इतने सारे 15-20 किरदार थे उस ड्रामा के अंदर. उन्होंने सिर्फ मुझे सिलेक्ट किया. आज तक मुझे जिंदगी में कभी अप्रिसिएशन मिला ही नहीं था. पहली बार मिला तो प्रिंसिपल से मिला. wow. और उन्हें स्टार बोल दिया. जैसे जब आप भी किसी को कुछ बुरा बोलते हो ना गाइस, आप एक मिनट के लिए बोल के हट जाओगे, बट वो बुरी चीज उसके जहन में रह सकती है. कुछ मेरी तरह लोग होते हैं जो नेगेटिविटी को हटा देते हैं और पॉजिटिव को जहन में रखते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव को रखते हैं, और जो अगर नेगेटिव को रख लिया उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा भी तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला उसकी तनकीद कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है. तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई. फिर उसके बाद में मैं कॉलेज भी गई, वहां पर भी कोई खास चीज नहीं हुई. वहां पर मुझे मतलब यू नो बॉम्बे में एलएस रहेगा एंड तोलानी कॉलेज. तो जूनियर कॉलेज मेरा तोलानी था और एलएस रहेगा, जहां पे मैंने अपना बीएमए बैचलर्स इन मास मीडिया मुकम्मल किया. अब तीसरा मेरा एतमाद यहाँ पे बढ़ा. फैशन शो हो रहा था और वहां पर मैंने ऑडिशन दिया. तो मेरी सीनियर्स ने मेरे मुंह पर मुझे बोल दिया कि तुम फिट नहीं हो फैशन शो के लिए. मैंने कहा मुझ में क्या कमी है. मैं गई घर पर, मैंने मिरर में देखा, मैंने कहा मैं नेक्स्ट वीक फिर एक चांस तो ऑडिशन तो देना. नहीं नहीं, तुम फिट नहीं हो, देयर आर मोर अदर गर्ल्स यू नो, सो वी डोंट वांट टू रियली वेस्ट टाइम, सो यू डोंट फिट ऑन इन द क्राइटेरिया. क्या पता मेरे जहन में क्या था, गॉड्स ऑनेस्ट ट्रुथ. मैंने बोला जहाँ पे तुम मुझे पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे हो ना, वहाँ पे जज बन के जाऊंगी मैं. ये सना सुल्तान की जुबान है. और मुझे नहीं पता मैं इतनी जुनूनी हूँ, पर इतनी नहीं कि इतना किसी के मुंह पे बोल गया. वो टाइम पे मेरे पता नहीं खुदा था या क्या था मेरे अंदर मौजूद, मैंने वो चीज़ बोल दी. कट्टू उसके 4-6 महीने बाद एक कॉम्पिटिशन था न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे. वो इंसान फीचर होगा अगर वो कॉम्पिटिशन जीत जाएगा. वो यूसी ब्राउजर अली बाबा की तरफ से था. इट वॉज कॉल्ड मिस क्रिकेट, यूसी मिस क्रिकेट. सो विल बी फीचर्ड, विल बी गेटिंग एन अमाउंट ऑफ 10 lakh rupees प्लस शी विल बी फीचर्ड ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स. 10 lakh पर तवज्जो नहीं किया, ठीक है, दैट इज अ बोनस. न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे फीचर होंगी. मैंने कहा पार्टिसिपेट करके देखते हैं. ये था ऑनलाइन, ऑनलाइन था. काफ़ी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, लैक्स ऑफ गर्ल्स हो पार्टिसिपेट. ऑफलाइन हो के कुछ 50 लड़कियाँ हुई. 3 दिन का कॉन्टेस्ट था, 50 फिर में से मैं एक आई और मैं जीती. वाओ. अब वो जीती तो मुझे ब्लू टिक मिला, फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे, म्यूजिक वीडियो किया. कट्टू मुझे नेशनल कॉलेज की फैकल्टी से कॉल आता है, मेरे किसी सीनियर ने नंबर पास ऑन किया होगा कि इसको जज के तौर पर बुलाओ. और जब मैंने फोटो डाला, एक या दो साल के अंदर ये चीज़ हुई. मेरा लिटरली वो कैप्शन था स्लैप ऑन सम पीपल्स फेस. Wow. वो मेरा तीसरा बार था जब मेरा एतमाद बढ़ा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा. कि पता है क्या, व्हेन यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड ना, आई थिंक व्हेन समवन चैलेंजेस यू ना, गॉड टेक्स इट पर्सनली. नेवर मेस विद गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. एंड मेरा ये है, मैं ना बदले में बिलीव नहीं रखती. आई डोंट बिलीव कि अच्छा इससे मेरे साथ ही. कुछ लोगों को कहता है ना मैं इसको करके दिखाऊंगी. नहीं, ऊपर वाला है. मैंने अपना काम किया, मैंने ऊपर वाले को देखा. आपने देखा है ना गॉड उसने मेरे साथ क्या किया, इसका मतलब इसके साथ. एंड इफ यू आर लकी यू विल गेट टू सी कि उसने जो आपके साथ उसका कर्मा का तो इंसान भुगतता है. इट इज इट कम्स बैक टू यू. ये लिखी बात है, ये आजमाई बात है कि मैंने देखा है. सो ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है. जब जब लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की है मैं उनके सामने उठी हूँ. अब बिग बॉस में भी मुझे लोगों ने बोला है फ्लॉप फिल्मों का चेहरा. सच बोलूं उससे मेरा एतमाद बढ़ गया, कम नहीं हुआ. क्योंकि क्या ख्याल है, इनको भी जवाब देना पड़ेगा. तो प्लीज आप बुरा बोलो ताकि ऊपर वाले को बुरा लगे और फिर मेरे साथ और अच्छा अच्छा हो, क्योंकि मेरी लाइफ का पैटर्न है ये. एंड हियर लेट्स मैनिफेस्ट दैट कि मे बी इन अनदर वन ईयर यू विल बी डूइंग अ लीड मूवी इंशाल्लाह. आमीन. एंड दैट और स्टार परफॉर्मर कुछ भी. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इंशाल्लाह. लेट्स मैनिफेस्ट. एंड आई एम टेलिंग यू आफ्टर वन ईयर यू विल बी कॉलिंग मी लाइक ब्रो इमेजिन क्या हो गया. ओके
ये हक से होगा कि इंशाल्लाह एंड एक्चुअली दिस विल हैपन फॉर श्योर बिकॉज़ मैं जनरली यू नो आई डू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन ऑल दीस थिंग्स आई एम आल्सो अ बिग टाइम बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन दैट्स व्हाई वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर साइकली बिकॉज़ यू आर अ पावरफुल मैनिफेस्टर आई मीन आई रियली बिलीव इन दैट लोग कहते हैं कि मेहनत तो करो बट यू नो प्रे प्रे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट यू नो दीस आर ये भी मैंने कोट के अंदर पढ़ा है बट ये फैक्ट है दैट स्पिरिचुअल पीपल कॉल इट मैनिफेस्टेशन ये आपने पढ़ा है रिलीजियस पीपल कॉल इट प्रेयर्स जो विचक्राफ्ट करते हैं वो उसको बोलते हैं कि विचक्राफ्ट है ब्लैक मैजिक बोलते हैं देखा जाए तो सब अफर्मेशन ही है एग्जैक्टली फिर क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं इसको जो साइंटिस्ट बोलते हैं सबका अलग अलग तरीका है जिस वे में भी करो बट मैनिफेस्टेशन इज रियल आई हैव सीन इट हैपनिंग एंड ये भी बिलीव करते हैं एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हियर ये किसी के दिमाग में पहली बार थी कभी किसी के दिमाग में पहली बार थी तभी तो यहाँ पे शेप हुई है जैसे आपके और देखो आपने भी सोचा होगा कि मेरा ऐसा शो होगा exactly. इतने सब्सक्राइबर्स होंगे exactly. इतने आला गेस्ट्स आएंगे exactly. भी तारीफ कर दियो ऐसे बोल के बटा यस एक्चुअली या एंड दिस इज आल्सो मैनिफेस्टेशन प्रॉब्लम वी आर धीरे-धीरे वी आर ग्रोइंग एंड जस्ट इमेजिन वी आर हियर अ लॉन्ग वे टू एंड यू विल इंशाल्लाह एब्सोल्युटली फॉर आफ्टर 1 ईयर विद योर मूवी वी विल बी पार्टिंग हार्ड यस वी विल बैक वी विल बी बैक अगेन वी विल बी बैक अगेन फॉर दैट मूवी आई विल मैनिफेस्ट समथिंग मोर देन आई से ना आपका शो मिले लकी था क्योंकि पहली दफे मैंने इतना खुल के किसी शो पे बोला yes, है yes, yes. Wonderful, yeah. I'll be really amazing. And for the kind of you know journey that you have gone through jaise aap starting se you know you have actually sab khud hi kiya it's not that you know you got everything like you know ekdum silver spoon mila hua nahi main to dur dur tak khandan ka talukat hi nahi tha ammi abba were also not very keen on me being in this industry because they were skeptical ki koi dur dur se belong nahi karta but I made them sit down I told them that you know what I promise you main jo bhi karungi apne daire mein leke karungi aap mujh pe aitbaar rakh sakte ho and then they were like okay fine so now when they see my work they see I'm not doing anything cheap or bold or anything of that sort exactly. so now they are very happy with my journey yeah and they were super proud no, like they are very proud and ek waqt tha na jab mujhe bhai ke hawale se insaan ki main meri abhi ka beauty parlor hai venus salon ke parlor ka तो उनके लिहाज से मुझे बोलते थे वीनस वाली की बेटी wow. अब ऐसा होकर चलते सना की मम्मी सना के डैडी सना का भाई तो ये भी मैंने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया था मेरी खुद की आइडेंटिटी नहीं है कोई wow. बोल रहा है कि वीनस वाली की बेटी कोई बोल रहा है कि सुल्तान की बेटी कोई बोल रहा है कि निसार की बहन टेंथ तक तो यही था उसी बात से वी ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज दिस इज द लास्ट वन दिस इज मैड डॉग 357 ओके जस्ट टू गिव यू आखिरी पढ़ाओ जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट कितना स्पाइसी है हमने जो ये खाया ये 1000 लेवल का स्पाइस लेवल था मतलब इसको हम स्कोविल लेवल पे मेजर करते हैं तो दिस वॉज 1000 इंडियाज हॉटेस्ट वॉज 75,000 दिस इज 357,000 सो जो हम घर में मिर्चियां खाते हैं वो 1,000 से 3,000 की रेंज में रहती है जो घर में आप चिकन में भी डालते हो इसका कितना वाला 357,000 समझ रहे हो गाइस यही है लेट्स डू दिस दिस इस शो से तो अर्ज किया है इस शो से हमने बहुत कुछ है सीखा इस शो से हमने बहुत कुछ है सीखा कर लेंगे हर मुश्किल और हर स्पाइस को पार चाहे कितना भी हो तीखा टैलेंट वाटर यो 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 बंटा बच्ची मामा चलो फिर टिप करते लास्ट वन लेट्स सी के प्रॉपर टिप इन दिस फॉर द ऑडियंस प्रॉपर टिप चीयर्स चीयर्स I'm strong. I'm brave. I can do it. Yes. I'm not feeling it. I am, but I'm not feeling it. I am, but I'm not feeling it. I'm not feeling it. Oh. This one is spicy. Color now. Hell spicy. This is the spicy thing I've never eaten in my life. I'm saying it. Because Palmanji's tan se bhi zyada spicy tha. तंज मतलब उनके टॉन्ट भाई मेरे तंज तंज नहीं तंज उर्दू में तंज का मतलब होता है ताने टॉन्ट ओह ओके मेरे को तंज से ज्यादा स्पाइसी ना मतलब तो भाई क्रेजी यू फीलिंग स्पाइस वेरी
Okay, so this is last one. Last क्या आपके बाकी है? बस नहीं, जैसा हो गया. हाँ. Question. अब तो ऊपर पहुंच जाएंगे हम. अब तो question is. ऊपर मतलब ना ऊपर वाले माले पे ऐसे इतना मत सोचो. What do you have to say to the girls who are inspired by you, who follow you? It's not easy having 6.5 million followers, as you said. And as we can already know, Instagram mein, there are a lot of people who are inspired. मैं बोल नहीं पाता. दिल्ली वालों से भय निकल जाता मेरा. समझ गई जज्बात कौन सी है. तो आप उनको क्या बताना चाहते हैं जो आपको फॉलो करते हैं इतने पूरी ऑडियंस को? नहीं, आपको बोलूंगी, डोंट लेट एनीवन्स ओपिनियन डिफाइन यू ऑफ हु यू आर. यू नो व्हाट यू आर, डोंट चेंज फॉर एनीवन, लेट द वर्ल्ड चेंज फॉर यू. एंड आपको अपने आप पे एतबार रखना बहुत जरूरी है, तभी कोई आप पे एतबार रख पाएगा. मैं बस और बोलना और भी है लेकिन जो स्पाइस आ रहा है ना, तो बस यही बोलूंगी, जस्ट कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड स्काई विल बी द लिमिट फॉर यू इंशाल्लाह. एंड जेन्युइनली स्पीकिंग, नॉट इवन योर टीचर्स, नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर सिबलिंग्स, नॉट इवन योर फ्रेंड्स, नोबडी शुड बी एबल टू टेल यू तू ये नहीं कर सकती. अगर तुम्हारा दिल बोल रहा है, तुम्हारा गट बोल रहा है, तुम ऊपर वाले की जात पे एतबार है, तुम मेहनती हो, तुम्हारी नीयत साफ है, तुमको कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो ये लेवल की भी क्यों ना हो. सो कीप गोइंग, नीयत साफ रखो, दैट इज द मैंडेट. जो मुझको गिराने की कोशिश में लगे, धीरे धीरे अपनी शख्सियत खोने लगे, क्या लगता है मेरे पैरों को जकड़ रखा? कोई नहीं यार, खुदा ने खुद हाथ पकड़ रखा. क्योंकि हमारे अंदर एक जज्बा था कि हम बिना स्पाइस, मतलब स्पाइस खा के बिना पानी पिए भी हम यू नो ये चैलेंज मुकम्मल कर सकते. तो जिंदगी भी एक चैलेंज की तरह है दोस्तों, इसी बात. It's not easy to do this. She has done it without even taking a single power. आसान काम नहीं है भाई. She is the only second person in our entire show who has done it without. And I'm just amazed to see कि लड़कियां are more stronger. Wow. अब मैं कुछ बोलूंगी तो लोग बोलेंगे feminist है, but ये fact है. नहीं, और उस तरीके से भी आप देखा जाए ना, जैसे चीजें होती है, पीरियड्स हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, जो लड़कियां इस वजह से वो थोड़ी स्ट्रॉन्गर हो जाती है. Naira was in period days, that's when she did this episode. That must be more difficult. I don't really know. I would love to meet that girl. But Naira, wow, love that spirit, babe. Lots of love. Yeah, and thank you so much. Thank you so much for you, audience. Thank you so much. This was Sana Sultan. She actually raised the bar of the Spice Show. And let us know. आप किसको चाहते हैं next आने के लिए? Who do you want actually next? Who do I want? I think who should come and do this challenge? I think the Big Boss contestant ko leke aao aap. I would want to. Who do you want in Big Boss to come? I want so many people. I think sabko hi bulana chahiye. Actually yahan pe jhagda karne se strong nahi hote hai, theek hai? Aise strong dikhaoge tab samajh mein aayega ki apne aap mein kitna ikhtiyar hai. Ab jhagda mere andar ki quality nahi hai to usme thodi na main strong ya weak ban jati hu. Asli yahan par dikhega. Aao sabko bulao. I want everyone yaar. Wow, definitely. Inshallah jaldi we'll be having everyone here. Yes. Also Nezi Arman bhai. Ranveer, Ranveer sir ki movie bhi aa gayi. Yes. Bring them all. Absolutely, that will be really lovely. Okay. And for you guys, thank you so much for watching. This is Sana Sultan. Go follow her on Instagram and pura har jagah jahan jahan bhi mila Sana Sultan, phaila do har jagah. Yeah, Sana Sultan ki har jagah naam hona chahiye. आपकी वजह से जितना प्यार मिल रहा है ना, आई मीन आई जस्ट कांट इवन से. यू आर एन अमेजिंग होस्ट. Really? मैंने इंटरप्ट किया, सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये जो बोल रहे हो मुझे बोलना चाहिए एज अ गेस्ट, इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया. ही इज सच एन अमेजिंग होस्ट गाइस. इतनी तफसील से बातें सुनना, अपना पॉइंट इतनी यू नो नफासत से सामने रखना, मतलब यू आर अमेजिंग. आपका शो का कॉन्सेप्ट भी बहुत मुख्तलिफ, बहुत आला है. And I genuinely wish all the best to you. और भी गेस्ट आपके शो पर आएंगे, I'm sure. और आपका शो का लेवल यहाँ पर है, बहुत आगे जाएगा. तो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ आपके. थैंक यू सो मच फॉर दैट. आप आई, वही बहुत अच्छी बात है.
है एंड वी आर सो हैप्पी. माई डेली टीम इज वेरी हैप्पी, माई बॉम्बे टीम इज वेरी हैप्पी. सो रियली थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड बस हर जगह फैलाओ एंड दैट्स इट. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस. यस एंड फैला दो हर जगह. फैला दो. ओके बाय.